चलिए भाई गोइंग लाइव, यू आर नाउ लाइव। तो हम लाइव हो चुके हैं, तो कैसे हो आप, क्या करें मतलब हैं, लाइफ में क्या करता है तू, पढ़ाई करता है, चलो गुड। ओके पीपल, सो यस आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। दोस्तों इस परेशान सी भरी जिंदगी में आपका फिर से स्वागत है, आपकी परेशान जिंदगी को और परेशान बनाने मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए भाई शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 16 हमारा बाकी था, बाकी पार्ट भी पढ़े क्या आपने घर पे, पढ़े क्या सच्ची प्रतीक बाबू, पढ़े क्या हाँ, कि कोई दूसरी पढ़ाई चल रही थी हाँ, पढ़ाई चली ना एक्स्ट्रा क्लासेस, अच्छा चौथाई वाले तुमने पढ़े स्कूल, चौथाई वाले की टी शर्ट में लिखा है स्कूल रिंड माय लाइफ, स्कूल ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा क्या बता रहा है चौथाई वाले। चलिए ओके बड़ी, सो यस वेलकम यू ऑल, चैप्टर नंबर 16 जो है हमारा वो कर लेते हैं अभी, एंड उसके बाद में वी विल बी डन विद द पार्ट बी पीपल, उसके बाद हम पार्ट बी से डन हो जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, मैं लिंक सेंड करता हूँ। सौमिल सर का लेक्चर कब स्टार्ट होगा टैक्स का, क्रिस पूछ रहा है, बेटा कल सुबह 7 बजे, 7:30 बजे शुरू होगा। आज थोड़ा जल्दी आ गया बेटा तू, कल के लेक्चर के लिए जल्दी आ गया बेटा तू, कल के लेक्चर के लिए क्या है ना, तू थोड़ा सा जल्दी आ चुका है बेटा। तो सौमिल सर का लेक्चर जो है कल स्टार्ट होगा सुबह 7:30 बजे। क्या किया तुम लोगों ने संडे को, क्या वो झूठ बोलते हो भाई, तुम कहाँ पढ़ने वालों में से हो, पढ़े क्या, कसम से कि सोए, मेरे पीछे क्यों पढ़ी बेटा, तो मुक्ति चाहिए पर खुद से चाहिए, तुम्हारे से नहीं चाहिए बेटा। चलिए ओके चलिए ओके वंडरफुल, सो यस चैप्टर नंबर 16 हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, चैप्टर नंबर 16, और उसके बाद में हम लोग करेंगे अमेंडमेंट्स। कल हम क्या करने वाले हैं, अमेंडमेंट्स, कल जो है थोड़े बहुत नहीं है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, सेटिंग अप के, किसके बेटा सेटिंग अप के, आज हम चैप्टर नंबर 16 कर रहे हैं, फिर एक हाफ एन आवर के अमेंडमेंट्स हैं, सिर्फ हाफ एन आवर के, ज्यादा नहीं, वो अमेंडमेंट्स कराऊंगा आपको, हाफ एन आवर में पूरे हो जाएंगे, तो आपको उसका लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी, है ना, इवन अ सिंगल परसेंट अबाउट दैट, सो आपकी बिल्कुल भी उसकी टेंशन नहीं आएगी। सो आ जाओ चैप्टर नंबर 16 हम लोग कर लेते हैं आज, और उसके बाद में फिर वी विल बी डन। अच्छा एक और चीज जो है वो ये है कि चैप्टर नंबर 16 करने के बाद में और अमेंडमेंट करने के बाद में, चैप्टर नंबर 16 और अमेंडमेंट जो हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको ये करा दूंगा अपना, क्या कहते हैं, स्टैम्प एक्ट, क्या करा दूंगा बड़ी, स्टैम्प एक्ट करा दूंगा एक दिन लेके, और आईटी एक्ट वो आप सेल्फ कर लेना ठीक है, या फिर मैं एक मेगा रिवीजन की लिंक दूंगा, वहां पे कराया हूँ, वहां से देख लेना आईटी एक्ट, तो बाकी तो मैं सारा करवा दूंगा आपको, है ना जी। सो बाकी तो आपका एवरीथिंग विल बी डन। और एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि आप लोग घर पे अभी सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि ये जो आप अभी ये जो टाइम है ये खुद को देने का टाइम है, क्योंकि लेक्चर्स एट द एंड अपने मतलब कि मेजॉरिटी हमने 90% सब कुछ कवर कर लिया है, इफ मैं बोलूँ तो 90% कवर कर लिया, उससे ज़्यादा ही कवर कर लिया है, कम नहीं किया है। सो रिवीजन में भी अगर हम 80% भी आप अगर लेक्चर्स देख के कवर करते हैं इट्स गुड, बट हमने 90% से ज़्यादा रिवीजन मैराथन मिला के कर लिया। सो आप लोग का अभी सेल्फ स्टडी पे टाइम देने का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टाइम इज जेन्यूनली फॉर सेल्फ स्टडी, हु आर गिविंग एग्जाम इन जून, आप प्लीज़ खुद के साथ अब अकेले रह के उसको यू नो टाइम स्पेंड करना शुरू करो खुद के साथ में, 24 आवर्स में से जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो, 16 आवर्स 17 आवर्स एटलीस्ट, आई एम सेइंग एटलीस्ट, मतलब कि आप लोग को 16 आवर्स मतलब 8 घंटे में, बाकी का सोना खाना जो है, बाकी 16 घंटे पढ़ाई जो है यहाँ से अगर दोगे तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, जितना आप ज़्यादा दे सकें, इट्स नॉट अबाउट कि 16 ही देना है, जितना आप दे सकें 14, 15, 16, बट नॉट लेस देन 14 एटलीस्ट फॉर एग्जाम डेज। तो इतना आवर्स आप अगर सेल्फ स्टडी को देंगे अभी यहाँ से 15 दिन, तो जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। एंड वॉट यू हैव टू डू इज, जब आप पढ़ रहे हो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, स्विच ऑफ योर फोन ठीक है, फोन हमेशा आपके स्विच ऑफ रहने चाहिए
ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि अपन फोन में अगर कुछ आप दे रहे हो, एकदम से मैसेज आया, पिन आया, और आप अगर स्क्रॉल करना एक बार शुरू कर दिया आपने, तो वो स्क्रॉलिंग कब खत्म होती है ना, वो फिर टाइम आप ऐसा लगता है कि कितना बर्बाद हो गया स्क्रॉलिंग में, इफ यू चेक, या फिर आप पोस्ट देखते हो या रील देखते हो, स्नैप में आप हो, तो आई थिंक इट थोड़ा सा टाइम आप डीएक्टिवेट हो जाओ जब पढ़ रहे हो, है ना, टाइम पास के लिए थोड़ा कर लिया, इट्स फाइन, वो भी ब्रेक हार्डली 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, रिलेशनशिप में वो 5 मिनट बात कर ली, इट्स फाइन, है ना, और मेक श्योर करो झगड़े इस समय ना करो रिलेशनशिप में जो लोग हैं, बिकॉज झगड़े से आपका भी मूड खराब होगा, पढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाई नहीं होगी तो फिर उसके बाद में एनी वे यू विल गेट डिप्रेस। सो जो सत्य है वो सत्य भाई, जो ये बात है एकदम एकदम सत्य बात बता रहा हूँ आपको, ये जेन्यूनली ऐसा होता है। आई हैव सीन मैनी गुड स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप वो बात नहीं करते हैं, झगड़े करते हैं, झगड़े के कारण पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, एट द एंड रिजल्ट अफेक्ट होता है। सो यू हैव टू बैलेंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो इट इज़ नॉट फॉर एनी वन, इट्स फॉर एवरी वन जो भी बेसिकली ये सीएस कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है, अभी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर जनरल एक्सेप्शन और इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट थोड़ा सा बाकी है, मैं उसकी ना ये दे देता हूँ आपको। प्लेलिस्ट आई क्या SBC की, अमेंडमेंट की नहीं आई क्या? तो मैं इसको प्लेलिस्ट को यहाँ पे यूट्यूब पे पिन कर रहा हूँ, आपकी जो प्लेलिस्ट है उसको सेटिंग अप की, उसको मैं यूट्यूब पे पिन कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिए, मैं यूट्यूब पे पिन कर रहा हूँ उसको, तो उस सेटिंग उसमें क्या है, पूरे सेटिंग अप के आज तक के अमेंडमेंट्स हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे, उससे क्वेश्चंस आपको 100% दिखेंगे एग्जाम में, 100% 10 नंबर के क्वेश्चन तो 100% दिखेंगे। कितने नंबर के बेटा? 10 नंबर, ज़्यादा नहीं, 10 नंबर के तो 100% दिखेंगे। मैं पिन कर रहा हूँ उसको, देख लीजिए सभी लोग, प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब की। सो मैंने उसको पिन किया है, आप उसको सेव करके रख लें, मैंने पिन किया है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, इसमें सारे सेटिंग अप के आज तक के अमेंडमेंट्स हैं, आज तक जितने अमेंडमेंट्स आए सेटिंग अप में वो हैं, तो वहाँ से आप देख लेंगे। सुनिएगा, चैप्टर नंबर 11 की लिंक आपको आ जाएगी सेटिंग अप का, उसके बाद में सेटिंग अप में जो हमारा बचा है मेरे साइड से जो बचा है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन और चैप्टर 4। चैप्टर 4 की भी मैं लिंक दूंगा, चैप्टर 4 की मैं क्या देने वाला हूँ लिंक, और चैप्टर 12 जो है वो मेरे हिसाब से फ्रेंकली बता रहा हूँ मैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी है बहुत लेंदी क्वेश्चन, आज तक एक भी नहीं आया है, इसलिए मैं उसकी भी लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ सेटिंग अप में। तो हम मैं क्या कराऊंगा आपको, सेटिंग अप में 3 चैप्टर की लिंक दूंगा, कौन कौन से, 11, 4 और 12, फिर से बोलो कौन कौन से बेटा, 11, 4 और 12, तो वो आप वहां से कवर अप करेंगे। अमेंडमेंट की लिंक दे दिया, कल मैं सेटिंग अप के अमेंडमेंट्स लूंगा फॉर जून 2022, जो भी आधे घंटे के अमेंडमेंट्स है वो करवाऊंगा। कितने घंटे के है? हाफ एन आवर के अमेंडमेंट्स है, कल मैं आपको वो करवाऊंगा, और परसों मैं GIGL का स्टैम्प पैक लूंगा, और GIGL का जो भी बाकी का मेरे को लगता है वो करवाऊंगा, और उसके बाद में वी विल वाइंड अप, देन उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करोगे, फिर मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा और उसमें मैं एक सेशन लूंगा आप लोग का, स्पेशल सेशन, किस बारे में रहेगा, कैसा रहेगा, दैट आई विल टेल यू, राइट, दैट आई विल टेल यू, बट अभी इस टाइम है फॉर सेल्फ स्टडी। बट हमारे समझ लीजिए 3-4 दिन है रिविजन के, उसके बाद में 2-3 दिन हार्डली यहाँ से, उसके बाद में आपकी सेल्फ स्टडी प्योर शॉर्ट शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में फिर एक सेशन लूंगा जिसमें आप लोग क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, और वो सेशन आपको हेल्प करेगा। किस रिगार्डिंग होगा, अनाउंसमेंट करूंगा। अब ना यहाँ से सेल्फ स्टडी इज द की फैक्टर, कितने भी लेक्चर्स देख लो लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता। चलिए जी अब शुरू करते हैं, जय माता दी, लेट्स बिगिन एवरीवन, हियर वी गो विद द चैप्टर नंबर 16। आ जाइए दोस्तों चैप्टर नंबर 16 शुरू कर रहे हैं, आ जाइए सभी लोग, चैप्टर नंबर 16 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है, आ जाइए जल्दी से शुरू करते हैं। चलो भाई आ जाइए दोस्त, ड्राफ्टिंग कोई पूछ रहा है बेटा, ड्राफ्टिंग सेटिंग अप में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सीलो में ही आते हैं। और अब्बड़ सर जो सेशन लेंगे आपके, अब्बड़ सर लेने वाले हैं ड्राफ्टिंग का सेशन, सो अब्बड़ सर सेशन लेंगे, वही सेशन आप कीजिए। सेटिंग अप में आया तो एक आधी कोई रिजोल्यूशन आ सकता है, वो अब्बड़ सर आपको सिखा देंगे। सेटिंग अप में आज तक क्वेश्चन इससे आए नहीं है, ठीक है, आया तो एक रिजोल्यूशन का आ सकता है, बाकी कोई नहीं आते ज्यादा, एक रिजोल्यूशन बनाने आ सकता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, चलिए आ जाओ, नाउ ध्यान देंगे पीपल, आ जाइए सभी लोग विद द, किस पे आना है हमने, 16th चैप्टर पे आ जाइए दोस्त, 16th चैप्टर पे आ जाइए, कम ऑन, ठीक है, आ जाओ 16th चैप्टर पे आ जाइए दोस्तों, कम ऑन टू द 16th चैप्टर पीपल। सर चैप्टर 13 के जो टॉपिक्स बचे थे पेटेंट वाले, उसका एक वीडियो भेज दो प्लीज, देख लो मैसेज, कौन से 13 के, वो ट्रेडमार्क पेटेंट का क्या, उसका मैं करवा देता हूँ, भेज दूंगा, कुछ नहीं है उसमें रे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी प्रोसेस है बस,
तो वो करवा दूंगा मैं, उसकी लोड ना लो, उसका हो जाएगा। एक एक 20 मिनट का वीडियो भेज दूंगा, उसी में वो सारा कवर है, तो उसको देख लेना बस एक बार, भेज दूंगा मैं परसों तक भेज देता हूँ उसको। अभी ध्यान देना, आ जाइए चैप्टर नंबर किस पे आना है बेटा, 16 पे आना है, चैप्टर नंबर 16 पे आ जाइए दोस्तों, और चैप्टर नंबर 16 कर लेते हैं पूरा का पूरा। आ जाओ मेरी जान बनारस की पान, कम ऑन स्वीट हार्ट, आ जाओ। कहाँ गया यार ये चैप्टर नंबर 670 नहीं है, चलिए आ जाइए चैप्टर नंबर 16, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कर लेते हैं जल्दी से, आ जाओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सा करना बड़ी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, देखो दिमाग सबके पास है लेकिन उस दिमाग का इस्तेमाल कम लोग करते हैं, कोई तो नहीं कम लोग करते हैं, कोई नहीं करता, क्या होता है साले बोलता कोई नहीं करता, है ना, दिमाग सबके पास है लेकिन उसका इस्तेमाल कम लोग करते हैं, है कि नहीं, क्यों अंकुर, कितने लोग करते हैं, कम लोग करते हैं, वेरी गुड। सो नाउ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब मैंने एक कार बनाया, कार थी घोड़े के डिजाइन की, कौन से डिजाइन की कार थी, घोड़े के डिजाइन की, तो ये किसका दिमाग है, मेरा दिमाग है। अब मेरे जैसा दिमाग सबके पास तो नहीं है, इसने भी एक कार बनाया गधे के डिजाइन की, अब ये इसका दिमाग है, ठीक है, है ना जी, ये इसका दिमाग है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि सबका दिमाग अलग अलग होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबकी अलग काम करती है। मैंने धुन बनाया, धुन क्या बनाया, धुन, धुन बनाया, गाना बनाया मैंने, एक गाना सुनोगे, गाना मैंने जो बनाया, गाना सुनना चाहोगे, नहीं सुनना चाहोगे, तो नहीं सुना था, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूड, सुनना चाहोगे, नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा, पर अब क्या, एक बार किसी ने मुझे मना कर दिया उसके बाद मैं फिर नहीं सुनाता। अच्छा ध्यान से सुनेंगे दोस्त, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, बहुत सारी चीजें आती है, क्या क्या आती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, बहुत सारी चीजें आती है, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप उसे बेच सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इसे बेच सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं आप, यू नो, सो एक बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, यू नो, आप कुछ आइडिया या इन्वेंशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बड़ी आइडियाज ला के क्या कर सकते हैं, इन्वेंशन। एट द एंड सबसे बड़ी जीत पता है किसकी, आइडिया की, आपकी सोच जो है ना, आपकी सोच जो है ना आपके कार्य को अंजाम देती है। क्या लाइन बोला हूं मैंने, वाह, क्या लाइन बोला हूं, वाह, आपकी सोच आपके कार्य को अंजाम देती है, अवार्ड मिलना चाहिए बॉस। चलिए अब कहने में नाउ ध्यान देंगे पीपल, सो नाउ आईपीआर जो है ये बहुत ही, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है सब एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है आइडियाज लेके आएंगे, यू नो, वो उसमें वहां पे रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सो सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, आइडियाज आर इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, आइडियाज, सोच मैटर करती है आपकी, आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट बनाते हैं, सोच मैटर करती है। और अच्छा मेरे को बताओ, मैंने कोई स्पेशल डिजाइन बनाया हो, मैंने कोई स्पेशल धुन बनाया हो, एक मिनट रुकना, हाँ सर, मिरर हो रहा था ना, उसमें भी आईपैड में डाउनलोड कर दे, मिररिंग 360 है ना, उसमें डाउनलोड कर दे आईपैड में, और फिर वो स्कैन करके क्यूआर कोड हो जाएगा, ओके। चलिए अभी ध्यान देना बड़ी, ए बड़ी, ओ मैडम, अभी ध्यान से सुनना, सुनाओ नाउ बड़ी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है एंटरप्रेन्योरशिप को एंकरेज करता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसका क्या इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, यस yes. किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो यार, आपकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होनी चाहिए ना, अब मैंने कोई मूवी बनाया कोई चुरा ले तो, मैंने कोई धुन बनाया कोई चुरा ले तो, अब मेरी धुन तो भाई मेरी धुन है, अब मेरी धुन में कितनी प्यारी बनाता हूं मैं, कितनी प्यारी धुन बनाता हूं मैं, एक से एक धुन बनाता हूं बेटा मैं, हाँ सुनाओ एक धुन, सुनाऊं क्या, पक्का क्या, नहीं सुनाऊंगा अभी, अभी धुन बनाने में क्या है थोड़ा सा मूड लगता है, अभी मूड थोड़ा ऑफ है आज मेरा, अभी ध्यान देंगे, एनीवे नाउ ध्यान देंगे बड़ी। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट जो है वो आपके प्रोटेक्ट होने चाहिए, यू हैव राइट टू प्रोटेक्ट, क्या कौन सा राइट आपके पास, राइट टू प्रोटेक्ट, अरे हाँ या ना, EBCL में बेटा मैं ना आप, अच्छा EBCL का मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो देख लेना, बाकी मैराथन हमने एक लिया था, बाकी अब्बड़ सर के जो पार्ट्स हैं उसका और मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसको आप देखना। अभी EBCL का ना मैं बताता हूँ, अभी इस पे ध्यान दो आप, आ जाओ, हेलो ध्यान दो इधर, सुनाओ गाइस,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके पास बंडल ऑफ राइट्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं. गाइस देखो यार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है. कैसे इंफॉर्मेशन है बड़ी, मतलब कैसे रिलेटेड है बड़ी, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है. अलग अलग लोकेशन के वर्ल्ड्स में, अलग अलग हर जगह यू नो कुछ कितनी सारी चीजें हैं यार. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना 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 काम लेके बैठे हुए हैं. और कोई चोरी ना करे किसी का काम, इसलिए ये राइट आया. इसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें. एंड प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली सबकी अपनी अपनी इन्वेंटेड होती है और उसको कॉपी ना किया जाए, इसलिए हम ये लॉज को पढ़ने वाले हैं. तो हम ये लॉज पढ़ने वाले हैं. सो इसका इंट्रोडक्शन और ये जो मीनिंग है वो एक बार पढ़ लेंगे आप लोग. इंट्रोडक्शन और मीनिंग सो वो आप लोग कर लेंगे बड़ी. इंट्रोडक्शन और मीनिंग इसका कर लेंगे. सर चैप्टर 16 में एडिशन है क्या, बता दो. नहीं है, कुछ एडिशन नहीं है, चिंता मत कर. सर 15 दिन में कैसे मैनेज करें, इसकी एक वीडियो बनाई है. यस बेटा, हाउ टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव इन 15 डेज, है ना, इसकी एक वीडियो बनती है बेटा, हाउ टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव इन 15 डेज. तुम बोलोगे हम येड़े हैं जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं. सर हम येड़े जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, क्यों? मतलब लोग बनाते हैं, मैं कहीं देखता हूं यूट्यूब, कई कई फैकल्टी बनाती है क्या, हाउ टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव इन 10 डेज. उसको साला 10 दिन में सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने बोल रहे हैं ये, हैं? आ जाओ भाई नेक्स्ट से बड़ी. अच्छा सुनिएगा, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पेटेंट ट्रेडमार्क सबके बारे में बात करना है. बोलो किस किस के बारे में बात करना है, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट ये सब के बारे में. सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में. किसके बारे में बड़ी, ट्रेडमार्क. आ जाओ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कौन सी मार्क, ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या है बेटा, कोई वर्ड है. ट्रेडमार्क मतलब कोई वर्ड. जैसे मान लीजिए मैंने एक बिजनेस खोला, बिजनेस का मैंने पता क्या नाम रखा, पोंगा. क्या नाम रखा, पोंगा. पोंगा क्या नाम रखा बिजनेस का, पोंगा. मेरे बिजनेस का नाम था, सबके बिजनेस का नाम होता है, मेरे बिजनेस का क्या नाम था, पोंगा. सो ये मेरे बिजनेस का वर्ड है, क्या मैं इसको ट्रेडमार्क ले सकता हूँ? यस. अच्छा मैं फ्रेज रख सकता हूँ, फ्रेज मतलब मैंने बिजनेस की मेरे लाइन दिया पोंगा बजाओ. क्या नाम दिया मेरे बिजनेस का, पोंगा बजाओ. तो इसका मैं इसको भी ट्रेडमार्क करवा सकता हूँ. यस. सिंबल मैंने पोंगा का रखा था, काय का सिंबल रखा था, पोंगा का. यू नो पोंगा, हैव यू सीन इट, यू हैव नॉट सीन इट, नो नो आई डोंट, मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्या कुछ दूसरी इमेजेस आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी. सो मैं उन्होंने सिंबल बनाया, डिजाइन बनाया, तो ये सब किस में आती है चीजें, ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क में क्या आते हैं, वर्ड फेस डिजाइन सिंबल. क्या क्या आते हैं बेटा, वर्ड फेस डिजाइन सिंबल. वर्ड मतलब शब्द, फेस मतलब कोई लाइन जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इट्स अ फेस. कोई यू नो वर्ड सिंबल है, डिजाइन है, ये सब किस में आते हैं बड़ी, ट्रेडमार्क. ये सब ट्रेड में, ट्रेडमार्क में आते हैं. एंड लोग अपने ट्रेड, अपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराते हैं, जैसे नाइकी ने स्विश को कराया हुआ है, ठीक है. एंड अपने अपने सबके अलग अलग होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वॉलमार्ट है, IBM है, बैंक ऑफ अमेरिका, वोडाफोन, यूनिक अकेडमी एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, बट फिर भी एनीवे. सो आप अपने अपने ब्रांड को क्या करा सकते हो, ट्रेडमार्क करा सकते हो. आप अपने अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करा सकते हो. सो यू नो उसकी आप अपने मर्जी से कर सकते हैं. मैं भी एक रेस्टोरेंट खोलूंगा जब फ्यूचर में, तो उसका जो भी नाम रहेगा, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ, तो उसको मैं रजिस्टर कराऊंगा. क्या करूंगा, रजिस्टर. रेस्टोरेंट का नाम क्या रहेगा, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ. तो ये मेरे रेस्टोरेंट का नाम रहेगा, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ. तो ये जो है इसको क्या कराऊंगा, एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाऊंगा दोस्तों. ना जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है उनके नाम के नीचे लिखा होता है आर. क्या लिखा होता है, आर. और जिनका प्रोसेस में होता है उनका रहता है टीएम. क्या रहता है बेटा, टीएम, तू मेरा, ठीक है. अच्छा ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल. कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल. उसके बाद में क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू. क्या कराना पड़ेगा, तो ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है आपको 10 साल के लिए मिलेगा, 10 साल के बाद आपको क्या कराना पड़ेगा बेटा, रिन्यू. फिर से बोलिए, क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू. हाँ या ना, चलिए ठीक है, इजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. रेखा मित्तल कहती है छी ये कैसा नाम है. मयंक गुप्ता कहता है सर ICSI भी ट्रेडमार्क है क्या, ICSI ने लिया हुआ है ना ट्रेडमार्क, और अब तो कोई ले भी नहीं सकता वो. तुम कंपनी नहीं बना सकते इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लिमिटेड के नाम से, हाँ ये अलाउड नहीं रहेगा, तुम्हारे को मिलेगा ही नहीं. अच्छा ट्रेडमार्क में क्या क्या आते हैं, जल्दी बोलो क्या क्या आते हैं, वर्ड फेस सिंबल. अच्छा स्लोगन भी आते हैं क्या, सबसे बढ़िया स्लोगन मेरे को पता क्या लगता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. वाह क्या क्या नाम रखा है, क्या ट्रेडमार्क है वो, है. और LIC का भी बढ़िया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये भी गजब है. मैगी का भी बढ़िया, टेस्ट भी हेल्थ भी,
मैगी का है ना ये, और ट्रेडमार्क, और किसका स्लोगन अच्छा है, और किसका अच्छा है? हाँ हाँ क्यों? गुड फूड गुड लाइफ किसका है? ठीक है, बहुत बढ़िया है यार। चलिए ओके, ना ध्यान देंगे एवरीवन, सबका अलग अलग आता है। वो था ना वो जो छोटी आती थी, वो बताई थी, वो लौटाए चैन की सांस, कौन सा था वो? विक्स, विक्स वेपर अप, लौटाए चैन की सांस। वो मेरे को क्वेश्चन पूछी थी ना एक बार कि जैकी चैन की सांस सांस खो गई है तो उसको कौन लौटाएगा, पूछती है वो। मैं बोला जैकी चैन की सांस खो गई है तो उसको कौन लौटाएगा, तो बोलती है विक्स वेपर अप, लौटाए चैन की सांस। वाह बेटा, चलिए आ जाओ नेक्स्ट है। बढ़िया सुनना, ट्रेडमार्क कितने प्रकार के होते हैं? सो ट्रेडमार्क जो है बेटा, उनको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रेडमार्क पांच कैटेगरी के होते हैं, होता है जेनेरिक, डिस्क्रिप्टिव, सजेस्टिव, आर्बिट्री और इन्वेंटेड। बोलो कितने प्रकार के होते हैं? जेनेरिक, डिस्क्रिप्टिव, सजेस्टिव, आर्बिट्री और इन्वेंटेड। फिर से बोलो, जेनेरिक, डिस्क्रिप्टिव, सजेस्टिव, आर्बिट्री और इन्वेंटेड। फिर से बताओ, जेनेरिक, डिस्क्रिप्टिव, सजेस्टिव, आर्बिट्री और इन्वेंटेड। जेनेरिक मतलब जो प्रोडक्ट का नाम है उसे कहते हैं जेनेरिक। लाइक मैं नमक बेच रहा हूं और पैकेट का नाम रखा हूं नमक, पैकेट का नाम क्या रखा हूं? नमक। क्या ट्रेडमार्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। ट्रेडमार्क मिलेगा सबसे 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 ज्यादा घटिया कैटेगरी का ट्रेडमार्क है ये, मतलब इसमें मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं बेच रहा हूं, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल शर्ट, और अपनी कंपनी का नाम क्या रखा हूं? शर्ट। मिलेगा ट्रेडमार्क? नहीं नहीं मिलेगा। मैं पेंसिल बेचता हूं, कंपनी का नाम क्या रखा हूं? पेंसिल। नहीं मिलेगा। मैं फैन बेचता हूं, प्रोडक्ट का क्या नाम रखा हूं? फैन। ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। कॉफी बेचता हूं, प्रोडक्ट का क्या नाम रखा हूं? कॉफी। इसे कहते हैं जेनेरिक कैटेगरी का ट्रेडमार्क, जिसमें आप प्रोडक्ट का नाम जैसे कि सॉल्ट उसी को ब्रांड बनाते हैं। अभी भाई कहां से मिलेगा ट्रेडमार्क यार? तू बोलेगा कि साले कॉफी मेरा ब्रांड है तो कोई कॉफी नहीं बेचेगा, कॉफी नाम से नहीं कुछ और नाम से बेचो। अबे झंडू, कॉफी को तो कॉफी के नाम से बेचेंगे ना, किस नाम से बेचेंगे? और तो अगर आप सेम प्रोडक्ट का नाम ही रहते हो तो उसे जेनेरिक मार्क कहते हैं। ये सबसे घटिया कैटेगरी का ट्रेडमार्क है। कौन से कैटेगरी का? घटिया, सबसे घटिया, वीकेस्ट कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है बेटा? वीकेस्ट। ये मिलना नहीं है आसानी से आपको। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव मार्क, जिसमें आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हो, जिसमें आप क्या करते हो? प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हो। प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? जैसे फेयर एंड लवली, क्या कर रहे हो आप? फेयर, जैसे फेयरनेस क्रीम, मतलब आप क्या बता रहे हो? क्रीम है जिससे फेयर होता है। ठंडी कुल्फी, क्या नाम दे रहे हो आप? ठंडी कुल्फी, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो। आप नाम रख रहे हो गरम गोला, ओ सॉरी ठंडा गोला, ठीक है। आप क्या नाम रख रहे हो? ठंडा गोला। या क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को डिस्क्राइब। आप क्या कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ये सब किसमें आता है? ये सब किसमें आता है? डिस्क्रिप्टिव। ये सब किसमें आता है बेटा? डिस्क्रिप्टिव। ये सब डिस्क्रिप्टिव में आता है। डिस्क्रिप्टिव इज जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, जैसे फेयरनेस क्रीम। ये भी वीकेस्ट कैटेगरी का। ये भी किसका बेटा? वीकेस्ट कैटेगरी का। ये वो जेनेरिक में आ जाएगा, ठीक है। जेनेरिक मतलब प्रोडक्ट का नाम ही रख रहे हो आप। लाइक मैं सुट्टा बेच रहा हूँ सुट्टा के नाम से, प्रोडक्ट बना रहा हूँ सुट्टा, अब सुट्टा ही बोलते हैं ना उसको, आज समझ रहे हैं? तो फिर वो ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव में प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो। नेक्स्ट होता है सजेस्टिव। व्हाट इज सजेस्टिव? जो प्रोडक्ट की कैटेगरी बताता है, जो क्या बताता है? प्रोडक्ट की कैटेगरी बताता है। जैसे ब्रेवरेजेस, ब्रेवरेजेस में क्या आती है? पीने की चीजें। ब्रेवरेजेस में क्या आती है? अरे पीने की चीजें आती है ना, जैसे मैंने कंपनी बोला शुभम ब्रेवरेजेस, तो शुभम नाम से मिल सकता है ट्रेडमार्क अगर ना हो तो, लेकिन ब्रेवरेजेस तो बहुत कॉमन है। ब्रेवरेजेस नाम से आप कैसे ट्रेडमार्क लेंगे? मैं बोल रहा हूँ ब्रेवरेजेस नाम से ट्रेडमार्क चाहिए। अरे ब्रेवरेजेस का मतलब क्या आता है? कि पीने की चीजें सारी, वो उसे ब्रेवरेजेस कहते हैं, हाँ या ना? अच्छा मैं फास्ट फूड, फास्ट फूड भी एक सजेस्टिव मार्क है। इसमें क्या चीजें आती है? बर्गर, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, और क्या? मोमोज, बड़ा पाव, है ना जी? सो एक मोमो बैठा है देखो यहाँ पे अपना भाई, ये सिद्धि के बाजू में ये मोमो बैठा है ना अपना, मोमो जैसे ही तो दिखता है पूरा। ये क्यों मोमो? इधर एक बार बच्चों से मिलाता हूँ दरवाजा। अरे इधर मोमो, इधर क्या नाम है इनका? लोडा जी, बहुत बढ़िया नाम है बेटा आपका। चलिए ना ध्यान देंगे, अच्छा सुनिएगा। सो नाउ ये सब आते हैं सजेस्टिव मार्क में। किसमें आते हैं बेटा ये सब? सजेस्टिव मार्क। फिर आता है सुनो, फिर आता है आर्बिट्री मार्क, जिसमें प्रोडक्ट का जो हम नाम रख रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग कोई और है और हम किसी और मीनिंग के लिए रख रहे हैं। जैसे ब्लैकबेरी, अब ब्लैकबेरी तो फ्रूट है, ब्लैकबेरी तो फ्रूट है, लेकिन आप उसकी शर्ट पैंट भी खरीदते हैं,
पहले फोन भी आता था एप्पल, एप्पल क्या है? फ्रूट है, लेकिन उसका प्रोडक्ट आते हैं। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो। जैसे मैंने एक दुकान खोला और दुकान का नाम रखा मैंने संतरा, क्या रखा दुकान का नाम? संतरा। अब संतरा तो फ्रूट है, लेकिन इसका ये मिल सकता है, आर्बिट्री मार्क मिल सकते हैं आपको, आर्बिट्री मार्क मिल सकता है, आर्बिट्रक मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, मिल सकते हैं। आर्बिट्री मतलब जो प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग कोई और है, उसकी वोकैबुलरी मीनिंग कोई और, आप किसी और पर्पस के लिए रख रहे हैं। तो आर्बिट्री मार्क जनरली स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के ट्रेडमार्क होते हैं। जैसे कि आर्बिट्री मार्क में और क्या आ सकता है बताओ कोई? जैसे कि आपने किस नाम से रखा, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आप बर्तन बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? बर्तन। और बर्तन की दुकान का नाम रखा है आसमान, बर्तन की दुकान का नाम क्या नाम रखा है? आसमान। तो मिल जाएगा ट्रेडमार्क यस, क्योंकि आसमान का एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। हाँ या ना? अरे यस और नो। नेक्स्ट है इन्वेंटेड, जिसमें आप खुद इन्वेंट करते हो, जिसमें आप क्या करते हो? खुद इन्वेंट करते हो। जैसे मैगी खुद इन्वेंटेड है वो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का है। एडिडास, प्यूमा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये इन्वेंटेड है। इन्वेंटेड मतलब आपने इसको नाम बनाए हो। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट बनाया टोंगा लिंगा, क्या नाम से रखा प्रोडक्ट? टोंगा लिंगा। टोंगा लिंगा इन्वेंटेड नाम है, क्या बेटा? इन्वेंटेड, इन्वेंटेड टोंगा लिंगा इज इन्वेंटेड। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट का नाम रखा लेंडजरी, क्या नाम रखा बोलो? लेंडजरी। क्या नाम रखा बेटा? लेंडजरी। नहीं, बालाघाट के पास एक गांव है, गांव का नाम है लेंडजरी, एक्चुअली फ्रेंकली बता रहा हूं। सो मैंने एक प्रोडक्ट रखा, ठीक है, आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, उसका नाम रखते हो, अभी क्या बोलने वाला था? नहीं भाई, अभी ध्यान देना आ जाइए, नहीं गलत हो जाता अभी, अच्छा भगवान बचाया रे तूने, अभी ध्यान देना आ जाओ। सो कितने प्रकार के ट्रेडमार्क होते हैं बोलो? पांच। सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के कौन से बोलो? इन्वेंटेड और आर्बिट्री। कौन से थोड़े वीक हैं? सजेस्टिव। कौन से वीकेस्ट हैं? जेनेरिक और डिस्क्रिप्टिव। जेनेरिक और डिस्क्रिप्टिव सबसे वीकेस्ट हैं, बोलो हाँ या ना। जेनेरिक मतलब क्या? जेनेरिक मतलब जो चीज है वही नाम रख रहे हो यार, उसे क्या कहते हैं? जेनेरिक। डिस्क्रिप्टिव मतलब उसको डिस्क्राइब करते हो। सजेस्टिव में एक कैटेगरी आती है, आर्बिट्री में एक्चुअल मीनिंग वो वर्ड का कोई और है और आप कुछ और रख रहे हो, इन्वेंटेड में आप इन्वेंट करते हो। तो आर्बिट्री और इन्वेंटेड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सजेस्टिव हार्ड टू प्रोटेक्ट है, और डिस्क्रिप्टिव और जो जेनेरिक है वो वीकेस्ट कैटेगरी के ट्रेडमार्क है। कहाँ क्या बेटा? वीकेस्ट कैटेगरी। ये वीकेस्ट कैटेगरी के ट्रेडमार्क है, बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो। बालाघाट कौन से नाम में आएगा? बच्चे कह रहे हैं बालाघाट इज इन्वेंटेड, मतलब वर्ड जो है वो इन्वेंटेड है ना बालाघाट। एक्चुअली बालाघाट का पता है स्टोरी क्या है? बालाघाट का नाम बालाघाट जो है ना वो बारह घाट के बीच में है, बारह घाट है और उसके बीच में, तो एक्चुअली नाम जो है उसका रहने वाला था बारह घाट, और उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी किसी से, तो वो बारह की जगह हो गया था बाला और उसकी जगह नाम पड़ गया बालाघाट। ये एक्चुअल स्टोरी है, मजाक नहीं कर रहा। जब उसका नामकरण हो रहा था तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो बारह की जगह हो गया था बाला, एंड दैट्स व्हाई नाम क्या पड़ गया? बालाघाट। अपने बच्चों के समय ऐसा मत करना, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो सकती है। देखो चलिए आ जाओ नेक्स्ट है। अच्छा एनीवे ट्रेडमार्क, एक मिनट हेलो, क्या ट्रेडमार्क? मेरा किसी ने इन्फ्रिंज किया तो उस पर केस हो सकता है क्या? मैंने अपनी एक दुकान खोला, मैंने क्या खोला? अपनी दुकान। दुकान का नाम रखा मैंने क्या बोली? मोदी घोड़े वाला। ऐसी दुकान नहीं खोल रहा मैं, ठीक है। मैंने एक गोले वाला, हाँ ठीक है। मैंने ए सुनो, ओए सुनना, सुन दो। मैंने एक दुकान खोला और मैंने दुकान जो है बढ़िया सी एक दुकान खोला और दुकान का नाम रखा बारीक पंचर। क्या नाम रखा दुकान का? बारीक पंचर। क्या नाम रखा बोलो? बारीक पंचर। अब ये बारीक पंचर में हम क्या करते थे? जो बारीक पंचर में हमारा जो भी काम था, अभी काम छोड़ो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। अभी हमारी दुकान खोला, आपने मान लीजिए सेम नाम से दुकान खोल ली बारीक पंचर के नाम से, तो क्या मैं आप पे केस कर सकता हूँ? यस। अच्छा मेरा ट्रेडमार्क है तो केस कर ही सकता हूं, लेकिन ट्रेडमार्क नहीं है तो भी केस कर सकता हूं क्या? यस। तो फिर क्यों कराए सर रजिस्टर? रजिस्टर इसलिए कराओ क्योंकि ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन मिलेंगे। देखो ट्रेडमार्क होएगा तो आपको प्रूफ करने में आसानी जाएगी कि देखो ये नाम मेरा है, लेकिन ट्रेडमार्क नहीं है तो प्रूफ करने में डिफिकल्टी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ट्रेडमार्क नहीं है फिर भी कोई आपका नाम लेते तो भी केस कर सकते हो, तो भी केस कर सकते हो। लाइक मान लीजिए मैंने बारीक पंचर के नाम से दुकान खोला और ट्रेडमार्क नहीं कराया और आपने दुकान खोल ली बारीक पंचर के नाम से, तो भी क्या मैं आप पे केस कर सकता हूं? यस, तो भी मैं आप पे केस कर सकता हूं। ट्रेडमार्क रजिस्टर होना
कंपलसरी नहीं है, लेकिन रजिस्टर कराओगे तो शॉर्ट शॉर्ट प्रूफ है कि वो आपका है, रजिस्टर नहीं कराओगे तो प्रूफ करना पड़ेगा और उसमें दिक्कत जा सकती है। तो भैया ट्रेडमार्क जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है आपका ट्रेडमार्क एक्ट के तहत, और अगर कोई व्यक्ति सिमिलर प्रोडक्ट से आपका बेच रहा है तो भैया आप उस पर केस कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क जरूरी नहीं है कोई भी केस करने के लिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना आप, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, जब आप किसी पे केस करेंगे उस पर क्या इंजंक्शन लगवा सकते हैं? यस। क्या डैमेजेस लगवा सकते हैं? यस। अरे बोलो हाँ या ना। यस और नो। अच्छा, ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क क्या है बेटा? कॉग्निजिबल ऑफेंस, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है बड़ी? क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क जो है वो क्या है? क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और क्या हो सकती है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसमें हो सकती है, याद रखना, है ना जी। अच्छा है ना बानी, कुछ मिला के तो नहीं लाई? मैं एग्जाम में ग्लूकॉन डी मिला के जाता था पानी में। हाँ चलता है, मैं सही में मिला के जाता था, दारू नहीं चलती वे। क्या? ग्लूकॉन डी मिला के जाता था, बढ़िया। जब भी ऐसा लगे बड़ा सा थोड़ा सा खोलो, धड़ 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 पियो, फिर राइटिंग लिखने का जोरदार। मैं तो पता लिखने की स्टाइल मेरी कैसी थी, हाथ मेरा ऐसा और ये धड़ 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 सूतना चालू, और मेरे जो दोस्त लोग रहते थे मेरे को ही देखते रहते, क्या कितना लिखता है वे तू, और बढ़िया पेपर। मेरा जेईजेल का पेपर था ना, जेईजेल का सबसे जल्दी खत्म हो गया था, सबसे जल्दी। अबे तो उससे क्या मतलब है, सबसे जल्दी हो गया था, सबसे फास्ट। चलिए एनीवे, नो ध्यान देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क जो है ये इन्फ्रिंज हुआ तो क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, और क्या सजा हो सकती है? यस yes. क्या हो सकती है आपको सजा? भैया ट्रेडमार्क जो, ऐसे किसी का नाम मत चुराओ यार, ऐसे किसी का क्या मत चुराओ, नाम, नाम मेरा रखना बहुत तकलीफ का काम है यार। और मेरे भाई एक दुकान खोल रहा था कपड़े की, पागल कर दिया क्या नाम रखूं, और मैं भी सोच के उसको 10-15 नाम बताया, और आखिरी में रखा उसने पहचान मेन्सवेयर। नाम क्या रखा उसने? पहचान मेन्सवेयर, बहुत बढ़िया नाम रखा। मैंने उसको बोला वाह पहचान, बहुत ही बढ़िया नाम है, मैंने कहा बहुत औसम। तो देखो नाम रखना एक अपने आप में, देखो नाम ही ब्रांड बनता है यार, एट दी एंड, एट दी एंड क्या बनता है, नाम आपका ब्रांड बनता है, ठीक है। और मेरे घर वालों ने कितना प्यारा नाम रखा है मेरा, देखो शुभम, कितना मतलब वाह क्या नाम है बेटा, ऐसा लगता है कि जितना थैंक्स बोलूं घर वालों को कम है, शुभम। चलिए आ जाओ, नो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ध्यान से सुनना पीपल, ये क्या कहता है, ध्यान देना एवरीवन, व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? सर कोल्ड ड्रिंक अलाउ है? कोल्ड ड्रिंक आप रखोगे, अगर मान लो आप अगर कोल्ड ड्रिंक नाम रखोगे तो वो किस में आ जाएगा? डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। क्या? अच्छा एग्जाम में बोल रहे हो क्या? अलाउड है, दारू नहीं अलाउड है, बाकी कोल्ड ड्रिंक लेके जा सकते हो। हाँ चेक नहीं करते, बोतल में भर के ले जाओ ना भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेके जाओ, कुछ नहीं होता। कई लोग च्विंगम खाते हैं एग्जाम देते देते, बोलते च्विंगम से स्ट्रेस रिलीज होता है। कुछ भी करो भाई, जो करना करो तुम्हारा। आई हेलो, नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में क्या आता है पीपल? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज लाइक मथुरा के पेड़े, लाइक आगरा का पेठा, आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, हाँ, और किसका? बनारस का पान, बनारस का पान, और हाँ नागपुर के संतरा, नागपुर के संतरा, और बालाघाट का गांजा, बालाघाट का गांजा, और बरेली की बर्फी, बरेली का झुमका, बरेली का झुमका, मुंबई का वड़ा पाव, कोलकाता के रसगुल्ले, कोलकाता के रसगुल्ले, ठीक है। जयपुर का क्या फेमस है? लहंगा, जयपुर में लहंगा फेमस है। अच्छा सुनिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये एक एक्ट है जिसका नाम है बेटा,
ध्यान देना पीपल, बेटा ज्योग्राफी ए हेलो हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड साक्षी मैडम, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 ये एक्ट आया था बेटा, एक्ट आया था ये, जिसमें क्या होता है ना कि बेसिकली हमने अलाउ किया कि कुछ एसोसिएशन को हम एरिया के नाम से प्रोटेक्शन देंगे. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मैं पुणे में बैठ के अगर मथुरा का पेड़ा बना के पैकेट बेचू, लाइक पेड़े का बनाता हूं पुणे में, पैकेट में क्या लिखता हूं मथुरा का पेड़ा और बेचता हूं, तो मेरे पे केस हो सकता है. केस कौन करेगा? मथुरा का पेड़ा जो है उसका एक एसोसिएशन है मथुरा में, और वो एसोसिएशन के जो मेंबर है वही बेच सकते हैं मथुरा का पेड़ा के नाम से प्रोडक्ट, बाकी कोई और नहीं बेच सकता जो उस एसोसिएशन के मेंबर है. अब मैंने बेचा मान लो पुणे में, तो मेरे पे केस हो सकता है क्या? यस. मान लीजिए आगरा का पेठा है, तो उनका एक एसोसिएशन है आगरा में, अब वही लोग आगरा का पेठा बेच सकते हैं. मैं अगर पुणे में पेठा बनाता हूं और बेचता हूं और क्या लिखता हूं आगरा का पेठा, तो मेरे पे केस हो सकता है? यस. इन शॉर्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसमें हम एसोसिएशन को पावर देते हैं कि आपके एरिया का जो प्रोडक्ट है वो आप ही बेचे और कोई नहीं बेचेगा, और कोई नहीं बेचेगा, आप ही बेचे. कोल्हापुरी चप्पल, लेकिन आप पुणे में चप्पल बनाते हैं और लिखते हैं कोल्हापुरी चप्पल, तो भी आप पे केस हो सकता है. और लेकिन करते हैं लोग इन्फ्रिंजमेंट, करते हैं, ये बहुत इन्फ्रिंजमेंट होता है. आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, ये सब नाम से कई और सिटी में बना के, दिल्ली में बना के लोग बेच देते हैं और इन्फ्रिंजमेंट होता है. लेकिन जो कर रहा है उस पर केस हो सकता है क्या? यस. ऐसे तो नाइकी नाम के, अरे आप देखो ना, नाइकी प्यूमा ऐसे डुप्लीकेट कितने प्रोडक्ट मिल जाते हैं यार, कितने मिलते हैं. सो नाउ बेसिकली ध्यान देना पीपल, बिस्लरी के नाम से कितनी बॉटल आ गई है, हाँ? बिल सेरी और क्या क्या तो आ गया पता नहीं. सो नाउ बेटा, ट्रिप्स एक अग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड ट्रिप्स एक अग्रीमेंट था जिसका नाम था अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. क्या था बेटा? ट्रिप्स. बोलो क्या था, फिर से बोलो क्या था? ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. उसमें हमने ये सब किया था. आपको पता है इंडिया में बासमती चावल का नाम सुना आपने? So, बासमती चावल और बहुत सारी चीजें जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है, अल्फांसो रत्नागिरी के आम है, अगर आपको पता हो तो रत्नागिरी के आम है, ठीक है, तिरुपति के लड्डू हैं, कोल्हापुरी चप्पल है ना, उसके बाद में नंजनगुड़ का बनाना है, धरवड़ पेड़ा है, उसके बाद में मधुरबनी पेंटिंग्स है, ठीक है, मैसूर जैस्मीन, मैसूर के बहुत सारे बासमती राइस. तो नाउ मेरे दोस्तों पीपल, ये सब चीजें जो है बेटा, ये सब आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं. इसमें एक एसोसिएशन रहता है, उसको हम राइट्स देते हैं, उसके अलावा वो चीज कोई नहीं बेच सकता. अगर कोई और बेचेगा तो उस पर केस हो सकता है. नाउ ध्यान देना, इसमें मेरे दोस्तों इसके इस एक्ट के आपको सेलेंट फीचर्स आ सकते हैं एग्जाम में, कि ये जो एक्ट है इसके सेलेंट फीचर्स बताओ. तो आपको ये एक्ट डिटेल में नहीं है, सिर्फ उसके क्या है? फीचर्स. तो आइए इसके फीचर्स आपको मैं बता देता हूं, कोई छह फीचर्स याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा. इसमें हम बताते हैं कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कौन होगा, ऑथराइज्ड यूजर कौन होगा इस एक्ट में. इस ये एक्ट में दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी. बोलो कितने पार्ट है? पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट ए में लिखी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और पार्ट बी में उनके ऑथराइज यूजर. जैसे कि पार्ट ए में होगा आगरा का पेठा, और आगरा का पेठा पार्ट ए, पार्ट बी में कौन कौन आगरा का पेठा के ऑथराइज यूजर है. अरे बोलो हाँ या ना. अच्छा, इसमें हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का. लाइक आपके हो सकता है ना यार, कई चीज ज्योग्राफी से फेमस हो जाती है, तो कई लोग कहीं जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पे ये चीज फेमस है तो यहाँ से ये खरीद के जाएंगे, होता है ऐसा, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे, है ना जी. कई बार मना किया जाता है दूसरों को कि भैया आप अगर आगरा का पेठा है तो बाकी और कोई उसे इस नाम से प्रोडक्ट ना बेचे. इसके रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. कौन बनाती है इसके रूल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. जब आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर कराना है तो आप एडवर्टीजमेंट इशू करते हैं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ. लाइक मैं बालाघाट का पेठा के नाम से अगर करूं तो आगरा ऑब्जेक्शन कर सकता है क्या? यस. या कोई भी ऑब्जेक्शन चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो चीज फेमस होनी चाहिए तो ही मिलेगा. अब आप बोलोगे मैं से फॉर एग्जाम्पल शुरू कर देता हूं ऐसे किसी नाम से जो फेमस नहीं है, लाइक पुणे के छोले भटूरे, ऐसा कुछ फेमस नहीं है पुणे में. यहाँ पे छोले भटूरे लोगों को बनाते भी नहीं आता ढंग के, फ्रेंकली बता रहा हूँ, ठीक है. सो नाउ बड़ी ध्यान देना. सो छोले भटूरे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ पुणे के छोले भटूरे, वो दिल्ली में ही चल सकते हैं, अमृतसर में ही चल सकते हैं, वो अमृतसर का ही छोले कुलचा हो सकता है, पुणे का नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे वो कल्चर नहीं है यहाँ. लेकिन अगर मैं बोलूँ पुणे का ये मिसल पाव तो हो सकता है ना जी. अगर हम बोले दोस्तों, अगर हम बोले भाकरवड़ी तो हो सकता है, पिटला भाकरी तो हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है. भाकरवड़ी गुजरात का है क्या? मतलब माहिती नहीं. नेक्स्ट है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. नेक्स्ट है, सुनो, इसमें आपको
प्रोटेक्शन मिल जाता है नोटिफाइड गुड्स का। अच्छा मेरे को बताओ, हेलो, क्या ज्योग्राफिकल, अच्छा मेरे को बताओ, क्या मैं ट्रेडमार्क बेच सकता हूं? हाँ, लेकिन क्या मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेच सकता हूं? क्या आगरा का पेठा अपना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मुंबई को बेच सकता है कि अब नहीं आगरा का पेठा नहीं, अब मुंबई का पेठा चलेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का असाइनमेंट प्रोहिबिटेड है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा ये? अरे लोगों की फीलिंग जुड़ी होती है इससे, जो जिस सिटी में रह रहे हैं उनकी सिटी फेमस हो जाती है किसी चीज से, तो लोगों की फीलिंग जुड़ जाती है उससे। नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना कि भैया इसका यू नो रजिस्ट्रेशन जो है एज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऐसा ट्रेडमार्क ही रजिस्टर नहीं होता दोस्तों, याद रखना इस बात को, ऐसा ट्रेडमार्क ही रजिस्टर नहीं होता है ना जी। आप अपील कर सकते हैं अंडर सर्टेन केसेस, अगर आप रजिस्ट्रार के डिसीजन से खुश नहीं है, लाइक आपका उसने रजिस्टर करने नहीं दिया, तो आप अपील कर सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली ऑफेंसेस पेनल्टीज हैं, इसमें ऑफेंसेस पेनल्टीज हैं, ठीक है, बस इतनी बातें याद रख लिए चलेगा, काफी है। तो मेरा मेरे को जल्दी से बताओ, हमने क्या पढ़ा अभी, जल्दी बताओ हमने क्या पढ़ा? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के सेलेंट फीचर्स। इस एक्ट, इस फीचर्स में क्या पढ़ा हमने कि इस ये एक्ट आपको क्या क्या बताता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के कौन ऑथराइज यूजर होंगे, कौन रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर होंगे। पार्ट ए में इसमें क्या लिखा रहता है? पार्ट ए में लिखा रहता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और पार्ट बी में, पार्ट बी में ऑथराइज यूजर्स। इसका रजिस्ट्रेशन हम बताते हैं, ठीक है ना जी। प्रोहिबिटेड रहता है कुछ एरिया को, तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं जहां पे वो चीज फेमस नहीं है। सरकार इसके रूल्स बनाती है, इसमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है लोगों के ऑब्जेक्शन मंगाने के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसमें यू नो हम लोग आपके गुड्स को प्रोटेक्टेड करवाते हैं कि कोई और यूज नहीं करेगा, अगर आपके नाम से वो चीज है तो जो ऑथोराइज यूजर है वही यूज कर पाएंगे। असाइनमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। क्या आप इसको एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हो? तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होगी? हाँ या ना? तो इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होगी। और क्या आप रजिस्टर के डिसीजन के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं? यस। कितने फीचर्स याद रखने? कोई 6 या 8, कोई 6-8 कर लिए तो काफी है। आए तो इसमें फीचर्स ही आएंगे। क्या आए तो इसमें? एग्जाम में आता है तो इसके फीचर्स ही आएंगे आपको। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के क्या आएंगे आपको बेटा? फीचर्स। क्या आएंगे बड़ी? फीचर्स ही आने वाले हैं आए तो। श्रद्धा कहती है, बट सर जैसे जैसे कुलचे वहां के लोग मुंबई में शॉप डाल के एक्सपांड करते होंगे ना बेटा, चीज जो फेमस है ना वो सिटी से ही होती है। फिर वैसे तो हर चीज हर जगह ही मिलती है, कोल्हापुरी सब्जी हर जगह मिल जाती है, वेज कोल्हापुरी हर सिटी में मिल जाती है, वेज कोल्हापुरी, लेकिन वो कोल्हापुर के नाम से फेमस है ना। सर अगर ए कंपनी एंड बी कंपनी का नाम सेम है, ए कंपनी और बी कंपनी का नाम कैसे सेम होगा? ए और बी तो अलग अलग है ना। अच्छा चलो ठीक है, ए कंपनी एंड बी कंपनी का नाम सेम है, ए ने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया फिर बी ने कॉपी किया, पर ए ने रजिस्टर नहीं कराया, बी ने रजिस्टर कराया, तब तो भी ए बी पे केस कर सकता है, तो भी ए बी पे केस कर सकता है। पुणे का सांबर वाला पोहा बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है बेटा, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया मैं पोहा खा लिया यहाँ पे, तो बोले सांबर साथ में था, मतलब पोहे के साथ सांबर, तो मैं हैरान हो गया पहले तो, नहीं खा के देखो, नहीं तो खाया और वहीं रख दिया फिर ठीक है नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ के लोगों का टेस्ट जो है वो थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, अब यहाँ के लोगों को पसंद है वो, यहाँ पे शुरू से ही वही चल रहा है, तो यहाँ के लोग जो है उनको काफ़ी पसंद आता है, तो ऐसी ऐसी बात है। चलिए नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना आ जाइए। नेक्स्ट है डिजाइन एक्ट, नॉट नेक्स्ट वन सा है डिजाइन एक्ट, नॉट इज डिजाइन एक्ट, ध्यान देंगे पीपल। Now what is design act? हैदराबाद की बिरयानी, yes, हैदराबाद की बिरयानी फेमस है। बिहार का लिट्टी चोखा, yes, बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, बहुत सुनो, मैंने कभी खाया नहीं हो, कभी नहीं खाया मैंने लिट्टी चोखा, कैसा मीठा रहता है क्या, स्वीट रहता है? बैंगन मैंने आज तक नहीं खाया लिट्टी चोखा, मतलब बहुत सुनो मैंने, बहुत सुनो, हर्ड अ लॉट अबाउट इट, बट कभी खाया नहीं उसको, मिलता भी नहीं है कहीं ऐसे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कहीं नहीं मिलता। चलिए ओके, आप लोगों ने खाया कभी लिट्टी चोखा? खाया आप लोगों ने? जो बिहार के होंगे उन्होंने खाया होगा बस। अच्छा चलिए नेक्स्ट है डिजाइन एक्ट। नेक्स्ट क्या बड़ी? डिजाइन एक्ट। देखिए मैंने एक डिजाइन बनाया, देखिए मैंने एक डिजाइन बनाया और ऐसा डिजाइन आज तक कहीं नहीं था, एक कार बनाया मैंने। क्या बनाया बड़ी? कार बनाया। ये थी हमारी कार। क्या थी हमारी कार? बेटा चूहे, चूहे के डिजाइन में कार बनाया। किसके डिजाइन में? चूहे के डिजाइन में कार बनाया, बहुत प्यारी। लंबोर्गिनी फेल इसके सामने। क्या फेल बेटा? लंबोर्गिनी।
क्या बोल रहे हो, आइसक्रीम की कार लग रही है बेटा, वही तो खासियत है कि इसमें आइसक्रीम भी है, या आइसक्रीम, इसमें फ्रिज है अंदर, इस कार में बहुत खासियत है बेटा, इसके अंदर फ्रिज है, आप फ्रिज है इसके अंदर, इसके अंदर वॉशिंग मशीन है, कपड़े धो सकते हैं आप, टीवी है इसके अंदर, इसके अंदर बाथरूम भी है, आपको नहाना है कुछ करना है आप नहा भी सकते हैं इस कार के अंदर, बहुत चीजें, बहुत फैसिलिटी है इसके। हाँ डांस तो बेटा अपने ऊपर है ना डांस तो अपने ऊपर है, करवाना चाहो तो हर जगह डांस हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये मैंने कार, अच्छा मुझे बताओ क्या मैं इस डिजाइन को, क्या मैं इस डिजाइन को रजिस्टर करवा सकता हूं? यस, जैसे कि आईफोन हमेशा अपने, या कोई भी फोन जब लॉन्च होता है तो अपने फोन को क्या करवाता है, डिजाइन, कि वो कोई और प्रोडक्ट यूज ना करे। जैसे ये आईपैड है, तो क्या इसका भी डिजाइन रजिस्टर होगा? यस, कि और ये डिजाइन कोई रजिस्टर, कोई ना ले ले, कोई और ये डिजाइन ना ले ले तो उसको भी रजिस्ट्रेशन होता है। ये पेंसिल का भी इवन डिजाइन रजिस्टर करवाते हैं, आईफोन तो हर फोन का अपने डिजाइन रजिस्टर करवाता है कि सेम, यार देखो ना ऐसे में तो कोई भी कॉपी कर लेगा सेम कैमरे के साथ, सेम लुक के साथ में, हाँ या ना? तो इसलिए रजिस्टर डिजाइन का भी होता है। सो वही, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, रजिस्टर डिजाइन का होता है, इसके भी सेलेंट फीचर्स करना है, क्या करना है बड़ी, सेलेंट फीचर्स। डिजाइन जो होता है ना सर, इलॉन मस्क ने बिल्ली से लटक से जान दे दी, बिल्डिंग से लटक के जान दे दी, डॉल्फिन लग रही है कोई कहता है। सर आज CACET का ऑफलाइन लेक्चर है बेटा, आ जाओ। चलिए ओके, नाउ ध्यान देंगे पीपल सभी लोग। सो नाउ डिजाइन के क्या सेलेंट फीचर है, सबसे पहला इसमें हम बताते हैं डिजाइन मतलब क्या होगा, ठीक है, बताते हैं हम लोग डिजाइन का। इसमें प्रायर पब्लिकेशन कराते हैं, पहले डिजाइन को पब्लिकेशन कराते हैं। सुनो, इसमें सिर्फ सेलेंट फीचर करना है, कोई भी 6 पॉइंट मनपसंद के याद रख लेना, बाकी टेंशन मत लेना, ठीक है। इसमें हम ये बताते हैं कि कौन कौन से नॉन रजिस्टरेबल डिजाइन है, कुछ डिजाइन ऐसे जो रजिस्टर नहीं किए जा सकते, जैसे कॉमन शेप है, कॉमन शेप जैसे कि बॉटल एक जो कॉमन डिजाइन है। देखो आप नया यूनिक डिजाइन लाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कोई यूनिक लाते हैं तो, कॉमन चीज है तो रजिस्टरेबल नहीं हो सकती। कार का जो बेसिक शेप रहेगा वो बेसिक शेप तो रहेगा ही रहेगा, उसको रजिस्टर नहीं करा सकते, लेकिन आपने उसमें कुछ यूनिक किया तो उसको रजिस्टर करवा सकते हो, अरे हाँ या ना? अच्छा नेक्स्ट है बड़ी, उसके बाद में आप अपनी एप्लीकेशन को सब्सटीट्यूट कर सकते हो नए डिजाइन के साथ में, है ना? इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपका लैप्स डिजाइन जो है वो रिस्टोर हो सकता है। इसमें आप अगर खुश नहीं है कंट्रोलर के डिसीजन से तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं बेटा, हाई कोर्ट, है ना जी? अगर आपने रजिस्टर्ड कराया कोई डिजाइन, आप वापस लेना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, 2 साल में रिवोक कर सकते हैं, कितने साल में बेटा, 2 साल, 2 साल में आप रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड रहता है वो 5 से 10 साल का रहता है, बोलो कितना रहता है, 5 से 10 साल, फर्दर एक्सटेंशन आप उसको करवा सकते हैं। सो कोई 5 6 फीचर याद रख लेना इसके, डिजाइन में क्या क्या फीचर याद रख लो, इजी इजी वाले बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रायर पब्लिकेशन होता है, इस एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इसमें पावर्स कंट्रोलर के पास है, बोलो किसके पास है, कंट्रोलर। इसमें बताया हुआ है कौन से डिजाइन रजिस्टर नहीं हो सकते, क्या आप अपनी एप्लीकेशन को सब्सटीट्यूट करा सकते हो, एक एप्लीकेशन की जगह दूसरी एप्लीकेशन दे सकते हो, यस। क्या इसमें जो आपके आपके लैब्स डिजाइन है वो रिस्टोर कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब कि आपके डिजाइन थे आप उसको, आपको उसको लैप्स हो गए, लैप्स हो गए मतलब, लैप्स हो गए मतलब टाइम चला गया, रिन्यू नहीं कराया तो वापस रिस्टोर करा सकते हैं, यस। कंट्रोलर से के खिलाफ खुश नहीं है तो कहां जाओगे, हाई कोर्ट, है ना जी। अगर आप मान लो रजिस्टर्ड डिजाइन है, वापस लेना चाहते हैं डिजाइन को, रिवोक कर सकते हो, ठीक है। कितने साल के लिए प्रोटेक्शन रहता है, 5 से 10 साल, 5 से 10 साल के लिए रहता है, बाद में रिन्यू करवा सकते हो, यस बाद में रिन्यू करवा सकते हो। बस इतने पॉइंट्स इसमें याद रख लिए काफी है। फिर से बोलो डिजाइन में क्या क्या पॉइंट याद रखोगे, पहला इसमें क्या डेफिनेशंस है, यस। क्या इसमें डिजाइन रजिस्टर करने के लिए पहले रजिस्टर, पहले पब्लिकेशन करना पड़ता है, यस। इस एक्ट में पावर किसके पास है, कंट्रोलर, बोलो किसके पास है, कंट्रोलर। इसमें क्या बताया हुआ है कौन कौन से डिजाइन रजिस्टर नहीं करा सकते, यस। इसमें क्या बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट, मतलब क्या इसका, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट, कि आप अपनी एप्लीकेशन क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यस। क्या एप्लीकेंट भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यस। एप्लीकेंट मतलब जैसे मैंने डिजाइन अप्लाई किया, अब बाद में मैं बोल रहा हूं मेरा नहीं अब्बर सर का, अब्बर सर का नाम इस पे रजिस्टर कर दो, हो सकता है ऐसा, यस। क्या आपका डिजाइन अगर लैप्स हो गया था रिस्टोर कर सकते हो, यस। कितने साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है, 5 से 10 साल, रिन्यू हो सकता है, यस। कंट्रोलर के खिलाफ खुश नहीं हो तो कहां जाओगे, हाई कोर्ट, कहां जाओगे बेटा, हाई कोर्ट। और कितने साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है, 5 से 10 साल, रिन्यू हो सकता है, यस। देखो दो चीजों के सिर्फ फीचर फीचर याद रखना है, तो ज्योग्राफी के और ये डिजाइन के, बोलो किस किस के, ज्योग्राफी के और डिजाइन, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के और डिजाइन। इसके क्या याद रखोगे, सेलेंट फीचर, कितने कितने, छे छे फीचर याद रख लिए काफी है,
मोर देन इनफ, आ जाओ नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कॉपीराइट। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्या बेटा, कॉपीराइट आते हैं बेटा इससे क्वेश्चन एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आज। एक वैसे टाटा ने एक नई कार निकाला है, क्या कार है भाई, उसका डिजाइन दिखाता हूं तुमको, का नाम भूल गया मैं उसका, हाँ अविन्य, क्या डिजाइन है उसका यार, दिखाता हूं रुको। बहुत महंगी है क्या, 25 बस तुम्हारे लिए, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम हो गई। हाँ अविन्य टाटा, इसके डिजाइन देखो बस आप, क्या कार बनाया टाटा ने, ये देखो कार का डिजाइन देखो टाटा की है, ये कार टाटा बना रहा है अविन्य। हाँ दिख भी नहीं रही है क्या, ये देखो अब दिख रही है, ये टाटा नई कार लेके आ रहा है अविन्य। तो ये डिजाइन देखो टाटा ने बहुत शानदार बनाया, और 6 महीने बाद आई। हाँ हाँ अभी बाद में, अभी ध्यान देना। सो अविन्य जो है ये बहुत बढ़िया, और इसका नाम भी देखो प्यारा रखा है उसने, और ये कौन सा नाम है अविन्य, इन्वेंटेड, ये किसमें आएगा इन्वेंटेड, देखो इन्वेंटेड नाम है अविन्य, ऑब्वियसली बात है इन्वेंटेड नाम है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ऐसे हमने सुना नहीं है। सो इन्वेंटेड नेम है अविन्य, एंड बहुत प्यारी कार लग रही है इसके, इसको जैसे ही ये न्यूज आई टाटा मोटर का शेयर आई थिंक परसों बहुत बहुत भागा, 10% भागा ऊपर जब इसका मतलब ये प्रोडक्ट अप्रूव हुआ, तब उसके बाद 10% बहुत अच्छा भागा प्रोडक्ट, और चलेगी ये कार, अच्छी कार है, सेडान बढ़िया लग रही है। चलो अभी ध्यान देंगे, हाँ हैचबैक है ये, चलिए अभी ध्यान देना। नेक्स्ट है बड़ी, नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देंगे पीपल। नेक्स्ट है स्वीट आर्ट्स, नेक्स्ट है स्वीट आर्ट्स, द थिंग इज, अरे कहाँ गया यार ये, हाँ कॉपीराइट। नेक्स्ट किस पे आते हैं बेटा, कॉपीराइट। कॉपीराइट में कब आएंगे आप, कॉपीराइट में कब आएंगे आप बताओ, कॉपीराइट में कब आएंगे, जब आप क्या बनाते हैं कोई म्यूजिक, टंग 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 टंग, ओ ये मैंने म्यूजिक बनाया, क्या बनाया मैंने म्यूजिक, कितनी प्यारी म्यूजिक है, जब मूड ऑफ हो तो क्या सुन लो, टंग टंग टंग, इससे और मूड ऑफ हो जाएगा सर तुम वाला, है ना। सो नाउ आप गाना बनाना चाहते हैं, गाना बना सकते हैं, यस ठीक है। सो आप गाना बना सकते हैं, इसमें आप बुक किताब लिखी, आपने कोई मूवी बनाई, कोई सिनेमेटोग्राफी, मैंने कोई वीडियोग्राफी की, क्या की बेटा वीडियोग्राफी की, कोई फोटोग्राफ ऐसी खींची, कोई यू नो मैंने बुक किताब लिख दी, कोई म्यूजिक बनाया, धुन बना दिया, स्टोरी लिखी मैंने, एक मैंने कहानी लिखा, एक बहुत प्यारी कहानी लिखा मैंने, जिसमें एक लड़का रहता है एक लड़की रहती है, और लड़की जो है वो लड़के को परेशान करती है, फिर लड़का जो है वो CS करने लग जाता है, फिर CS करने लग जाता है, उसके बाद में उसका सफ़र चालू होता है, सफ़र चालू होने के बाद में फिर उसको नई लड़की मिलती है, फिर वो भी उसको परेशान करती है, फिर वो पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ाई करता है, CS बन जाता है, फिर CS बनने के बाद में ऑफिस में जाता है, फिर उसको नई लड़की मिलती है, फिर उसके बाद में उसकी भी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो लड़का टीचिंग में जाता है, फिर टीचिंग चलिए तो मैंने बहुत प्यारी स्टोरी सुनाया मैंने, मतलब स्टोरी सुनाया मतलब बनाया। तो ये क्या आप इसको कॉपीराइट करवा सकते हैं, हाँ या ना, यस आप इसको क्या करा सकते हैं, कॉपीराइट करवा सकते हैं, आप इसको कॉपीराइट करवा सकते हैं। इसमें साउंड रिकॉर्डिंग, आर्टिस्ट वर्क, आर्किटेक्चर वर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ग्राफिक वर्क, स्क्रप्चरल है ना, पिक्चरल, कोई सिनेमाटोग्राफिक वर्क, ये सारी चीज आप कॉपीराइट में करा सकते हैं। तो इसको जल्दी से एक बार देख लो क्या क्या चीज कॉपीराइट हो सकती है। सो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें कॉपीराइट हो सकती है, ये सब याद कर लो। कॉपीराइट में आ सकता है कोई ओरिजिनल लिटरेसी, आपने कुछ लिखा, रामायण कॉपीराइट नहीं करा सकते क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, मतलब कि आपने आपकी बनाई हुई नहीं है, आप कोई कहानी बनाओ उसको करा सकते हो, लाइक बाहुबली, लाइक KGF, इसको आप करा सकते हो। ड्रामेटिक कुछ आपने किया, म्यूजिकल वर्क आपने कुछ किया, आपने कुछ धुन बनाई, इसको आप रजिस्टर करा सकते हो क्या, यस नहीं कराना चाहोगे, इतनी प्यारी धुन को आप रजिस्टर नहीं कराना चाहोगे ओके बाय। ऐसा नेक्स्ट है आर्टिस्ट वर्क है, आपने कुछ फोटोग्राफ, स्क्रप्चरल, पेंटिंग बनाई, मैं पेंटिंग आपको पता है कितनी शानदार बनाता हूँ, यू नो माई आर्ट वेरी वेल, आई थिंक आप ही लोग को तो मेरी कदर है कि नहीं, बहुत शानदार मैं आर्ट करता हूँ, आप सभी जानते हैं उस बात को, इतनी प्यारी प्यारी मैं पेंटिंग बनाता हूँ। तो क्या हम उसको करा सकते हैं, यस। अबे तुम विश्वास नहीं करोगे, एक पेंटिंग बिकी थी कितने तो करोड़ में, माँ कसम तुम्हें दिखाता हूँ मैं एक पेंटिंग, एक दिखाता हूँ तुम्हें,
अरे यार एक बहुत इसकी माँ की क्या हो गया। हाँ आपको दिखाता हूँ मैं, एक पेंटिंग सोल्ड हुई थी कितने तो करोड़ में, दिखाता हूँ तुम्हें एक, ये तुम देखना है, एक चीज दिखाता हूँ रुको, उससे अच्छी पेंटिंग तुम बना सकते हो, तुम सॉरी नहीं मैं बना सकता हूँ, तुम तो नहीं बना पाओगे बेटा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये देखो, अच्छा नहीं ये तो ठीक है, ये वाली पेंटिंग तो ठीक है, ये वाली पेंटिंग देखो, ये पेंटिंग कितने बिकी थी मालूम आपको? 307 मिलियन डॉलर, 307 मिलियन डॉलर। ये देखो अभी ये क्या कर रहे हैं वे, छोड़ो भाई ये वाली नहीं देखते, ये देखो ये गोदागादी कर दी है, ये देखो इन्होंने क्या किए सारे कलर को मिक्स कर दिया, ये बिकी थी 233 मिलियन डॉलर। अच्छा ये इसमें कोई पेंटिंग है ये बताओ, ये कोई पेंटिंग है ये पेंटिंग है, ये आर्टिस्ट को क्या समझता है, क्या है ये गधा मजूरी है, क्या है ये? 222 मिलियन डॉलर, कितने बिकी है पेंटिंग बेटा? 222 मिलियन डॉलर, माय गॉड। अभी आजकल एनएफटी भी ऐसे ही बिक रहे हैं पता है आपको, और ये देखो ये क्या किया ने यहाँ पे, गोदागादी कर दी। बचपन में ड्राइंग बनाता था मैं ऐसी मालूम आपको, बचपन में जब मेरी मम्मी वो देती थी मेरे को ना स्केच, तो ऐसी बनाता था मैं स्केच, ये मेरे को पता नहीं था मेरी इतनी कदर हो सकती अगर मैं विदेश में रहता तो। ये पेंटिंग बिकी थी 209 मिलियन डॉलर, अरे बाप रे। चलो ये सब कलाकारी हो गई, ज्यादा पेंटिंग नहीं देखना है, ज्यादा पेंटिंग नहीं देखने का ज्यादा पेंटिंग देखना है, खराब है भाई। आ जाओ नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देंगे सुनाओ, कहने का मतलब क्या है बड़ी, कहने का मतलब क्या है बड़ी, ध्यान देंगे। नहीं कई लोग कलाकार भी हैं, कई लोग कलाकार भी हैं कई लोग कलाकार भी हैं तो अच्छी पेंटिंग भी बनाते हैं। एनीवे अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा आपने कोई मूवी बनाई क्या, उसका भी कॉपीराइट हो सकता है? यस, कोई मूवी बनाई तो उसका भी कॉपीराइट हो सकता है। साउंड रिकॉर्डिंग का, आपने कोई साउंड रिकॉर्डिंग कराई तो उसका भी हो सकता है क्या? आंसर इज यस, साउंड रिकॉर्डिंग कराई तो उसका भी क्या हो सकता है? कॉपीराइट हो सकता है। नाउ ध्यान देंगे पीपल, साउंड रिकॉर्डिंग का भी हो सकता है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का हो सकता है, आर्टिस्ट वर्क का हो सकता है, म्यूजिकल वर्क का हो सकता है, और ओरिजिनल लिटरेसी का हो सकता है, और किसका हो सकता है बड़ी? सिनेमेटोग्राफिक वर्क। अच्छा वापस तो भाई किस किस चीज का हो सकता है जल्दी बताइए, किस किस चीज का हो सकता है बताइए? ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्ट वर्क, सिनेमेटोग्राफी और साउंड रिकॉर्डिंग, इन सब का क्या हो सकता है बताइए? इन सब का हो सकता है कॉपीराइट। ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्ट वर्क, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, सो ये सब जो है भैया याद रखना, इसका क्या हो सकता है बड़ी? कॉपीराइट हो सकता है, याद रखिएगा। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक बात सुनो मेरी अच्छे से, आपको आपको एग्जाम में आया कि कॉपीराइट कौन कौन से वर्क का हो सकता है, तो सुनो अब ये तो आप लिखोगे लेकिन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जैसे म्यूजिकल वर्क में इट कैन कंसिस्ट ऑफ म्यूजिक है ना, और इसमें कुछ वर्ड्स आपने गाए बोले वो सब आ जाएगा। आर्टिस्ट वर्क में पेंटिंग, स्क्रप्चर, ड्रॉइंग ये सब आ जाएगा। सिनेमेटोग्राफी वर्क में विजुअल रिकॉर्डिंग ये सब आ जाएगा, साउंड रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो ये सब किसमें आता है बड़ी? कॉपीराइट। ये सब किसमें आता है बड़ी? कॉपीराइट में आता है, याद रखिएगा ये सब जो है कॉपीराइट में आता है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, कॉपीराइट में ऑथर को क्या क्या प्रोटेक्शन है? कॉपीराइट में ऑथर को क्या क्या प्रोटेक्शन है जल्दी बताओ, कॉपीराइट में ऑथर को क्या क्या प्रोटेक्शन है? फिर से बताओ, कॉपीराइट में ऑथर को क्या क्या प्रोटेक्शन है? तो भैया कॉपीराइट में ऑथर जो है अपने काम को रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्या कर सकते हैं बोलो? रिप्रोड्यूस। व्हाट यू मीन बाय रिप्रोड्यूस? व्हाट यू मीन बाय रिप्रोड्यूस? जैसे कोई किताब लिखा था उसकी दूसरी केजीएफ 1 की जगह केजीएफ 2, केजीएफ 2 का केजीएफ 3, केजीएफ 3 का केजीएफ 4, कर सकते हैं यस। क्या जनता को कॉपी बांट सकते हैं? यस। जनता के सामने परफॉर्म कर सकते हैं? यस। जनता को अपना काम कम्युनिकेट कर सकते हैं? यस। सिनेमेटोग्राफी वर्क कर सकते हैं उस पर? यस। वर्क को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से गुजराती, गुजराती से मारवाड़ी, मारवाड़ी से तेलुगु, तेलुगु से वॉट एवर कर सकते हैं। और सुनो अडॉप्शन भी कर सकते हैं, जैसे आपने कोई बुक लिखी थी उसमें मूवी बना दी, मूवी पे बुक बना दी। तारक मेहता बुक से बना हुआ है ना, तारक मेहता कहां से बना है? बुक से बना है ना। तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज डूड, कि व्हाट यू कैन डू इज डूड, बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे यारा, मेरे यारा आप लोग काम को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जनता को कॉपी बांट सकते हैं, जनता के सामने परफॉर्म कर सकते हैं, जनता को काम कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी वर्क कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और अडॉप्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अडॉप्शन। बोलो हाँ या ना।
यस और नो? इजी, पक्की बात? चलिए बताओ क्या क्या कर सकते हो काम को रिप्रोड्यूस, जनता को कॉपी बांट सकते हैं, हाँ, जनता के सामने परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ, जनता को कम्युनिकेट कर सकते हैं, यस, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हो, सिनेमेटोग्राफी वर्क कर सकते हो, अडॉप्शन कर सकते हो, जैसे अडॉप्शन मतलब मूवी से बुक बना दी, बुक से मूवी बना दी, ये सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे बिंदास करो यार, क्या दिक्कत है? सो भैया क्या क्या कर सकते हैं जल्दी बताओ फटाफट, चलो। रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यस। जनता को कॉपी बांट सकते हैं, यस। जनता के सामने परफॉर्म कर सकते हैं, यस। जनता को काम कम्युनिकेट कर सकते हैं, यस। सिनेमेटोग्राफी वर्क कर सकते हैं, यस। ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यस। अडॉप्शन कर सकते हैं, यस। वेरी गुड पीपल। नेक्स्ट है, इसमें कॉपीराइट के ओनर्स कौन है? देखो इसमें ना सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ध्यान देना पीपल, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना कि ये भी आ सकता है कॉपीराइट में क्या क्या प्रोटेक्ट, क्या क्या चीजें, कौन कौन से वर्क प्रोटेक्ट होते हैं, ये भी आ सकता है कि ऑथर को क्या क्या प्रोटेक्शन है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये भी आ सकता है कि कॉपीराइट में ओनर कौन है। तो म्यूजिक अगर है, मान लो मैंने से फॉर एग्जांपल एक धुन लिखा और आपने लिरिक्स दी, आपने क्या दी, लिरिक्स, आपने लिरिक्स दी मेरे को कि उसके चलने से चलती है मेरे दिल में तार और बचता है, हाँ, और बचता है तार और आती है मेरे को डकार। आपने लिरिक्स लिख के दी, क्या लिख के दी मेरे को, लिरिक्स, कि उसके चलने से दिल में बचती है तार, बचती है तार, मेरे को आता है डकार। तो मैंने उस पर गाना बनाया, मैंने उस पर गाना बनाया, क्या बनाया मैंने, गाना, कंपोजिशन किया कि उसके चलने से बजती है दिल में तार, आया मुझको डकार। अब ये धुन जो है हमने क्या कर दी बेटा, ये धुन जो है हमने क्या कर दी, रजिस्टर कर दी, इस धुन को हमने क्या कर दी, रजिस्टर, ठीक है, धुन को हमने क्या कर दी बेटा, रजिस्टर। अब इसमें ओनर कौन कौन है ये बताओ, इस धुन में ओनर कौन है, जिसने लिरिक्स लिखा वो भी है, जिसने गाया वो भी है, जिसने म्यूजिक दिया वो भी है ना जी, तो ये सब है, जो लिरिक्स जिसने दिया, जो कंपोजर है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, ठीक है ना जी, ये सब है, और जिस कंपनी ने उसको प्रोड्यूस किया, जैसे टी सीरीज ने उसको अपने चैनल पे प्रोड्यूस किया, टी सीरीज ने क्या किया इसको अपने चैनल पे, तो टी सीरीज भी इसका कौन है, ओनर है। नेक्स्ट है, अगर जर्नलिस्ट है, पीपल जर्नलिस्ट है तो जिसने अग्रीमेंट के हिसाब से, अग्रीमेंट नहीं है तो जिसने लिखा है, लाइक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करता हूं और मैंने कोई आर्टिकल छापा, तो वैसे अग्रीमेंट के हिसाब से, अग्रीमेंट नहीं है तो मैं, अग्रीमेंट में लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया रहेगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया, जनरली अग्रीमेंट में कंपनी रहती है। नेक्स्ट है बड़ी, नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना, नेक्स्ट आता है इसके बाद में कि अगर से कोई और बेसिकली यू नो कोई और बेसिकली काम है, तो ऐसे केस में अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नहीं है तो जिस भी व्यक्ति ने उस काम को प्रोड्यूस किया, अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नहीं है तो जिस भी व्यक्ति ने उस काम को प्रोड्यूस किया वो आ जाएगा। सो जल्दी से बताओ म्यूजिक में कौन कौन आएगा, जिसने लिरिक्स आएगा और कंपोजर, सिंगर, म्यूजिशियन, ठीक है, ये लोग आ जाएंगे। उसके बाद जर्नलिज्म के केस में अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नहीं है तो जिसने वो काम को प्रोड्यूस किया, बाकी कोई और भी केस है तो जिसने उस काम को प्रोड्यूस किया, अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट, नहीं तो जिसने उस काम को प्रोड्यूस किया। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कॉपीराइट का असाइनमेंट पॉसिबल है? मिस्टर अननोन लिखते हैं, तेरी स्माइल पे मरते हैं इतने लोग जानू, मरते नहीं जितने डेटॉल से कीटाणु। चलिए मुझे बताओ बेटा जल्दी से फास्ट, मेरे को बताओ कॉपीराइट का असाइनमेंट हो सकता है क्या? क्या हम कॉपीराइट किसी को दे सकते हैं? तो होली या पार्शली दे सकते हैं, तो आंसर इज यस। क्या टेरिटरी वाइज भी दे सकते हैं? क्या टेरिटरी वाइज दे सकते हैं कि इस टेरिटरी में तुम बेचना, इस टेरिटरी में मैं बेचूंगा? क्या उसकी टर्म डिसाइड कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन असाइन द कॉपीराइट, टर्म डिसाइड कर सकते हो, ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो, टेरिटरी डिसाइड कर सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो, हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो, इजी और नॉट, अरे बोलो इजी कि नहीं, अरे बोलो ना बेबी। चलिए ठीक है, इजी है। सो भैया याद रखना, अच्छा जल्दी से, कॉपीराइट का प्रोटेक्शन किस किस के लिए कितना रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा प्लीज। जनरल रूल है कॉपीराइट का प्रोटेक्शन 60 साल रहता है, बोलो कितने साल, 60 साल। अब ध्यान देना पीपल, अगर ओरिजिनल लिटरेसी है या ड्रामेटिक है या म्यूजिकल एंड आर्टिस्ट वर्क है, तो 60 साल काउंट होते हैं आपकी डेथ के बाद। कब काउंट होते हैं बेटा, डेथ के बाद। कब काउंट होते हैं बच्चा, डेथ के बाद। अगर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है, साउंड रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ है, पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन है, ठीक है, ऐसे केसेस में,
ऐसे केसेस में 60 साल काउंट होते हैं फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन. कब से काउंट होते हैं? 60 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. कॉपीराइट कब तक प्रोटेक्टेड है? 60 साल. लेकिन 60 साल कब से गिनते हैं? 60 साल कब से गिनते हैं? अगर ओरिजिनल लिटरेसी है, कुछ लिखा है आपने, ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्ट वर्क है, तो 60 साल कब से गिनते हैं? जब ऑथर मरा उसके बाद 60 साल, उसके बाद 60 साल. लाइक केजीएफ मूवी जिसने लिखा है, या केजीएफ मूवी जिसने लिखा है बनाया है, तो जब वो मरेंगे उसके 60 साल तक उनके पास प्रोटेक्शन है, बहुत हो गया. लेकिन अगर मान लीजिए कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ है, कोई पोस्ट्यूमस पब्लिकेशन है, मतलब आपके मरने के बाद कोई चीज पब्लिश हुई है, ऐसे केसेस में जब से पब्लिश हुआ वहां से 60 साल. ऐसे केस में जब से पब्लिश हुआ वहां से 60 साल. बोलो हाँ या ना. ऐसे केस में कब से 60 साल? बोलो जब से पब्लिश हुआ वहां से 60 साल. बोलो हाँ या ना. बोलिए यस और नो. अरे इजी क्या. चलिए 60 साल कहां से लेते हैं? बोलो 60 साल कहां से लेते हैं? बोलो जल्दी बोलो. आवाज नहीं आई. कहां से लेते हैं? अरे बताओ यार 60 साल कहां से लेते हैं? तो अगर से ओरिजिनल लिटरेसी है, ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्ट वर्क है, तो 60 साल कब से लेते हैं? डेथ के बाद. डेथ के बाद 60 साल लेते हैं, ठीक है. अगर अदरवाइज पोस्ट्यूमस पब्लिकेशन है, है ना, फोटोग्राफ है, साउंड रिकॉर्डिंग है, सिनेमेटोग्राफी वर्क है, तो ऐसे केस में पब्लिकेशन से 60 साल. पब्लिकेशन से 60 साल. इजी. अच्छा, आप अगर कॉपीराइट किस किस चीज का नहीं करा सकते, ये क्वेश्चन आया, तो ध्यान देना किस किस चीज में. सुनो, कौन सी चीज है जो कॉपीराइट इन्फ्रिंज में नहीं आएगी? मतलब मैं किसी का सामान ले रहा हूं. सामान मतलब मैं किसी का मटेरियल ले रहा हूं. क्या ले रहा हूं मैं? किसी का मटेरियल. बट कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं होगा. कौन कौन से केस में? अगर मैं रिसर्च पर्पस के लिए लेता हूं. कौन से पर्पस के लिए? रिसर्च. मैं रिसर्च पर्पस के लिए किसी का कॉपीराइट लेता हूं तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा. मैं क्रिटिसिज्म के लिए लेता हूं. काय के लिए बेटा? क्रिटिसिज्म या रिव्यू देने के लिए. या मैं रिपोर्ट करता हूं करेंट इवेंट्स का. किसका बेटा? करेंट इवेंट. जैसे मान लीजिए न्यूज वाले कहीं पहुंच जाते हैं. देखा है आपने कई बार न्यूज वाले पहुंच जाते हैं. आप देख सकते हैं रणबीर और आलिया की शादी हो रही है. आप देख सकते हैं यहां पे रणबीर जो है वो आलिया को मंगल सूत्र पहना रहा है, लेकिन वहां पे कैटरीना के पाई है बोल रही है मेरे को पहनाओ, मेरे को पहनाओ, मैं पहनूंगी आपसे. और आलिया भट्ट जो है वो उतावली हो रही है. उसने सब अपना सामान क्या बोलते हैं, उसने जो अपना ये जो है क्या कहते हैं उसको बेटा, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, लहंगा नहीं रही. कैसी बात करती है बेटा, वो क्या बोलते हैं रे हिंदी में, शादी में होता है जो. अच्छा एनीवे, अच्छा तो मान लो आप रिपोर्ट करने के लिए कहीं चले गए और वहां पे क्या हुआ, आप किसी की फोटोग्राफी दिखा दी आपने गलती से, या फिर आपने रिपोर्ट करने चले गए और किसी का म्यूजिक जो था वो सामने निकल गया, या किसी की यू नो आर्टिस्ट वर्क था सामने आ गया, तो वो इन्फ्रिंज नहीं माना जाता. रिसर्च के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग है. या फिर मान लो आप ना जनता के सामने परफॉर्म करते हैं और आपने जनता से पैसे नहीं लिए, तो इन्फ्रिंजमेंट में आता है क्या? नहीं. मान लो से फॉर एग्जांपल मैं आपसे पैसे लेके गाने गाऊं, तो वो इन्फ्रिंजमेंट में आ सकता है. पता है आपको, जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, साउंड रिकॉर्डिंग में वैसे एक्सेप्शंस हैं लेकिन फिर भी केस हो सकता है. अब यूट्यूब में होता है ना, क्या होता है कि मैं आपसे, मान लो आप मेरे को क्या देते हैं, कई लोग यूट्यूब पे पैसा डालते हैं 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, मैं गाना गा रहा हूं, मान लो चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे या मेरे या, तो अब जो लोग पैसे डाल रहे हैं तो दिस इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. क्योंकि अगर नॉन पेइंग ऑडियंस है तो आप परफॉर्म करो, पेइंग ऑडियंस के सामने जिनका कॉपीराइट है वही परफॉर्म कर सकते हैं, या तो उनसे परमिशन लेना पड़ता है. क्या लेना पड़ता है? उनसे परमिशन. अच्छा, आपने मैक्सिमम सिंगर्स को देखा होगा अपने कॉन्सर्ट में अपने ही गाने गाते हैं. मैक्सिमम सिंगर्स को आपने देखा होगा अपने कॉन्सर्ट में अपने ही गाने गाते हैं, वो दूसरे गाने नहीं गाते. अगर दूसरे गाने जो गाते भी है ना, तो वो परमिशन लेके गाते हैं, क्योंकि वो पेइंग ऑडियंस के सामने आप, पेइंग ऑडियंस के सामने आप ऐसा नहीं कर सकते. नॉन पेइंग के सामने आप ऐसा कर सकते, पेइंग के सामने नहीं कर सकते. अच्छा, जैसे डांस सिटी और डांस आता है, उसमें नॉन पेइंग ऑडियंस होती है. आपको पता है जितने भी लोग इंडियन आइडल में बैठते हैं, या डांस इंडिया डांस में बैठते हैं, या कपिल शर्मा शो में बैठते हैं, वहां पे नॉन पेइंग ऑडियंस होती है. क्योंकि अगर पेइंग ऑडियंस हो तो किसमें आएगा? वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा. लेकिन नॉन पेइंग ऑडियंस है तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आता. इसलिए वो कभी भी आप इंडियन आइडल में जाओगे तो उसके पैसे नहीं लिए जाते हैं कभी भी. बस उसका वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रूल्स होते होंगे, पैसे तो नहीं लेते हैं 100%. नॉन पेइंग ऑडियंस के सामने अगर आप परफॉर्म करते हो, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आता. याद रखना, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आता है क्या?
अच्छा कुछ केसेस में साउंड रिकॉर्डिंग भी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में नहीं आता, जैसे सुनो, जैसे मान लो मैंने एक गाना बनाया उसमें चन्ना मेरे आ रहा है तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होगा क्या? मैंने एक गाना बनाया उसमें सिर्फ एक वर्ड आ रहा है चन्ना मेरे, बाकी धुन वुन कुछ नहीं आ रही, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होगा? देखो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट तब होता है जब आप कोई सब्सटेंशियल पार्ट इंफ्रिंज करते हैं। सब्सटेंशियल मतलब ऐसा नहीं पूरा गाना, वो छोटा भी हो सकता है लेकिन वो मेन जो आपके गाने का मेन जो यू नो क्या बोल सकते हैं उसको, जो सबसे मेन चीज है आपके गाने की, जो सबसे मेन लाइंस है, सबसे मेन लिरिक्स है, वो पूरी की पूरी आप नहीं ले सकते। देखो एक आध वर्ड आया तो वो डेफिनेटली चलेगा, प्यार तो हर गाने में आता है, दिल तो हर गाने में आता है, तो ऐसे केस में क्या इन्फ्रिंजमेंट का केस कर दोगे क्या? वैसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप मेन पैरा ही पूरा ले ले या पूरी मेन धुन ले ले तो इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है क्या? आंसर इज यस, तो इन्फ्रिंजमेंट में आ सकता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए भी कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं माना जाएगा, तो ये सब केसेस के लिए कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं माना जाता। जल्दी से एक बार करो, कौन कौन से पर्पस के लिए कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं माना जाता जल्दी से बताओ, चलो फास्ट बोलो किस किस पर्पस के लिए कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं माना जाता, जल्दी से लर्न करके दो अभी मेरे को, जल्दी से लर्न करके दो बच्चा, फाटा फाटी एकदम एकदम फाटा फाटी, जल्दी से लर्न करके दो फटाफट एकदम फास्ट। जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्त। जल्दी कीजिए दोस्त, यस चलो जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ चलो, क्या क्या कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं आता? पर्पस ऑफ रिसर्च एंड प्राइवेट स्टडी, क्रिटिसिज्म, रिव्यू, करेंट इवेंट रिपोर्ट करना, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और बोलो, और बोलो बट्टे, नॉन पेइंग ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना और साउंड रिकॉर्डिंग बनाना कुछ केसेस में और एजुकेशनल रिलीजियस सेरेमनी, ये सब आता है कि नहीं आता? ये सब नहीं आता, बोलो हाँ या ना। मुस्कान कहती है कंसेंट टू स्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट मतलब क्या होता है बताओ? कंसेंट टू स्टेब्लिश मतलब होता है जब आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तब कंसेंट लेना, कंसेंट टू ऑपरेट मतलब होता है जब आप उसका ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं तब कंसेंट लेना एनवायरमेंट से। चलिए ओके इजी है। अच्छा कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट जो है वो कब माना जाएगा? जब आप कोई सब्सटेंशियल पार्ट चुराए, जरूरी नहीं है पूरा चुराओ, क्वांटिटी चुराने से मतलब नहीं है, क्वालिटी चुराने से मतलब है। फिर से बोलो क्या? क्वांटिटी चुराने से मतलब नहीं है, क्या चुराने से मतलब है? क्वालिटी चुराने से मतलब है क्या? आंसर इज यस, है ना जी। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपका ही यू नो प्रोडक्शन है, बाकी और कहीं वो चीज नहीं थी तो ही आप केस कर सकते हैं, याद रखना। हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो। अच्छा अगर आपने कॉपीराइट करवाया है तो आप क्या क्या कर सकते हैं कॉपीराइट कराने से? क्या क्या कर सकते हैं आप कॉपीराइट कराने से जल्दी बताओ? क्या आप वो कॉपी किसी को बेच सकते हैं? हाँ। अरे बेच सकते हैं क्या? हाँ। पब्लिक के सामने परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ। पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ। पब्लिक एग्जीबिशन कर सकते हैं? हाँ। इम्पोर्ट कर सकते हैं इंडिया में? यस। क्या क्या कर सकते हैं कॉपीराइट के कराने से आप बोलो 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 ना। अच्छा नहीं सॉरी, क्या क्या चीजें कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आती है? आई एम सो सॉरी, कौन कौन सी चीजें कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आती है? तो अगर किसी और की चीज मैं किसी और की चीज में बेचूं बनाई हुई तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, जनता के सामने परफॉर्म कर रहा हूं दूसरे की चीज, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं जनता को तो भी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आएगा। उसका पब्लिक एग्जीबिशन करूं तो भी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आएगा। और इंडिया इंपोर्ट करूं मैं अगर इंफ्रिंज कॉपी तो भी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आएगा। फिर सोलो क्या क्या आएगा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में? फिर सोलो क्या क्या आएगा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में? इंफ्रिंज कॉपी क्या करूं मैं, सेल या हायर या फिर जनता के सामने परफॉर्म करूं, परमिट करूं जनता को, डिस्ट्रीब्यूट करूं जनता को, एग्जीबिशन करूं या फिर इंपोर्ट करूं इंडिया में इन्फ्रिंज कॉपी, ये सब किस में आएगा? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। फिर सोलो क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा बेटा? सेल करो, हायर करो, जनता के सामने परफॉर्म करो, डिस्ट्रीब्यूट करो जनता को और पब्लिक एग्जीबिशन करो और इंडिया में इंपोर्ट करो, क्या? इन्फ्रिंज कॉपी। ये सब किस में आएगा? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। यस और नो? यस और नो? Easy है,
पक्की बात याद रहेगा। चलिए तो क्या क्या आएगा फिर से बोलो, क्या क्या आएगा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में जल्दी से बताओ। तो सेल या हायर करना, जनता के सामने परफॉर्म करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, पब्लिक एग्जीबिशन करना, इंडिया में इंपोर्ट करना, क्या इन्फ्रिंज कॉपी। अच्छा, पहली बार कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट किया तो 6 महीने की जेल है, 50,000 तक का फाइन है। दूसरी बार किया तो 1 साल की जेल है, 1 लाख तक का फाइन है। दूसरी बार किया तो 1 साल की जेल है, 1 लाख तक का फाइन है। दूसरी बार किया तो बेटा 1 साल की जेल है और 1 लाख तक का फाइन है। फिर से बोलो, 1 साल की जेल है और 1 लाख तक का फाइन है कॉपीराइट में। फिर से बता लो, सुन लो, इससे एक क्वेश्चन आता है, कॉपीराइट से। तो या तो आएगा कॉपीराइट में कौन कौन से क्लास ऑफ वर्क आते हैं, जल्दी जल्दी रीड करो, क्या कौन कौन से आते हैं जल्दी बोलो, क्या कौन से आते हैं। ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्ट वर्क, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब आता है कि नहीं आता, ये सब आता है कि नहीं आता, ये सब आता है कॉपीराइट के। बेसिकली वर्क आप रजिस्टर करा सकते हो ये सब वर्क एज अ कॉपीराइट। ऑथर को क्या क्या प्रोटेक्शन है, वो क्या कर सकता है किसी भी वर्क को रिप्रोड्यूस, जनता को कॉपी बांट सकता है, जनता के सामने परफॉर्म कर सकता है, जनता को कम्युनिकेट कर सकता है, सिनेमेटोग्राफी वर्क कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, एडॉप्शन कर सकता है। फिर से बताओ क्या क्या कर सकता है। रिप्रोड्यूस कर सकता है, जनता को कॉपी बांट सकता है, जनता के सामने परफॉर्म कर सकता है, जनता को कम्युनिकेट कर सकता है और सिनेमेटोग्राफी कर सकता है। हाँ या ना, ट्रांसलेट भी कर सकता है क्या? यस, यस और नो, हाँ या ना, यस बोलते बोलते यस ये। चलिए भाई आ जाओ। सो एडॉप्शन कर सकते, ये सारे काम कौन कर सकता है, कौन कर सकता है जो कॉपीराइट का ओनर है वो, बोलो कौन कर सकता है जो कॉपीराइट का ओनर है। अच्छा मुझे बताओ, ध्यान देना, मुझे बताओ जो कॉपीराइट का ओनर है वो कौन है। तो म्यूजिक के केस में लिरिक्स जिसने लिखा, कंपोजर, सिंगर, ये सब लोग हैं क्या? आंसर इज यस, है ना जी। अच्छा जर्नलिस्ट के केस में अग्रीमेंट है तो, अग्रीमेंट नहीं है तो जिसने उस काम को प्रोड्यूस किया, या फिर कोई और चीज है तो जिसने किया वो, जिसने किया वो क्या किया, अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट, या फिर जिसने प्रोड्यूस किया वर्क, जिसने क्या किया प्रोड्यूस। क्या कॉपीराइट असाइन कर सकते हैं? यस, होली पार्शली, एरिया वाइज, टर्म वाइज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपीराइट का प्रोटेक्शन कितने साल है? 60 ईयर्स। कब से? अगर ओरिजिनल लिटरेसी है, ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्ट वर्क है तो 60 साल, जब से ऑथर की डेथ हुई। अगर इसके अलावा कोई वर्क है जैसे पोस्ट्यूमस पब्लिकेशन है, सिनेमेटोग्राफी वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ है, तो 60 साल जब से वो चीज पब्लिश हुई। अच्छा क्या क्या चीजें कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं आती? रिसर्च के लिए, प्राइवेट स्टडी के लिए आपने कुछ चीज ली है, क्रिटिसिज्म के लिए, करंट इवेंट रिपोर्ट करने के लिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है, आप यू नो परफॉर्म करना चाहते हो नॉन पेइंग ऑडियंस के सामने, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए, ये सब कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में नहीं आता। अच्छा आपने देखा है, आपने देखा है कई क्या कहते हैं, कई ये जो है बॉलीवुड गाने हैं उनके माता के गाने बना दिए गए हैं, या फिर बॉलीवुड गानों के भगवान के गाने बनाए गए हैं। कोई एक गाना बताओ ऐसा। हाँ नहीं नहीं वो तो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, जो बॉलीवुड गाने हैं उन्हीं की सेम धुन, सेम धुन, पूरी की पूरी सेम धुन है, वो भगवान का कर दिया गया। सुना आपने कोई ऐसा गाना? मेरे को याद नहीं आ रहा अभी कोई। काला चश्मा भी बना है, बहुत सारे बने ऐसे। हाँ सुना है आपने कभी ऐसे गाने? तो ये रिलीजियस सेरेमनीज के कारण आ जाता है। किसके कारण आ जाता है? रिलीजियस सेरेमनी। रिलीजियस सेरेमनी में कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में वो नहीं आता। रिलीजियस सेरेमनी में कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में नहीं आता, एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं आता। यू नो साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं आप थोड़ी, मतलब कुछ नेचर की, उसमें नहीं आता जिसमें कोई मेजर इंफ्रिंजमेंट नहीं है। आप नॉन पेइंग ऑडियंस के सामने परफॉर्म करें, जुडिशियल प्रोसीडिंग रिपोर्टिंग करने के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, प्राइवेट रिसर्च के लिए, ये सब आते हैं कि आंसर इज नहीं। ठीक है, मेरे बाबा तू माता, मैं बाला तू माता, अरे बेटा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रे, ये इनको लग रहा है कि बॉलीवुड नहीं ऐसा किया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी गाने थे बॉलीवुड के उस पे, वो सेम धुन पे माता के गाने ऐसे कुछ बनाए गए हैं। चलिए ओके, एनीवे पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा, चलो अभी ध्यान देना पीपल। अच्छा सुनो मेरी बात, कॉपीराइट ऑफ इंफ्रिंजमेंट, नोबडी मेरा कॉपीराइट ऑफ इंफ्रिंजमेंट, कब कब कॉपीराइट इंफ्रिंज माना जाता है जल्दी बताओ कब। अच्छा मेरे को तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में
क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी, क्वालिटी सब्सटेंशियल पार्ट इन्फ्रिंज करना जरूरी है। क्या क्या चीजें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आती है, अगर आप सामने वाले की चीजें सेल करते हो, हायर करते हो, यू नो, और क्या करते हो, जनता के सामने परमिट करते हो, परफॉर्म करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पब्लिक एग्जीबिशन करते हो, या फिर क्या करते हो इंपोर्ट करते हो इंडिया में, हाँ या ना, बोलो यस सर नो, इजी है क्या? अच्छा, इसकी पेनल्टी कितनी है? पहली बार किया तो 1 साल की जेल, 50,000 का फाइन। दूसरी बार किया तो पहली बार किया तो 6 महीने की जेल, 50,000 का फाइन। दूसरी बार किया तो 1 साल की जेल, 1,00,000 का फाइन। इजी। लास्ट बचा हुआ है क्या? पेटेंट, एंड वी विल बी डन। कल करेंगे सेटिंग अप के अमेंडमेंट, और आपका सेटिंग अप फिर मैं 3 चैप्टर की लिंक दूंगा, वो वहां से देखोगे। सेटिंग अप हमारा खत्म, ठीक है? ओके, घर पे सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, टाइम टू सेल्फ स्टडी। यार क्या हो गया ना कि ये जो अभी समय है बहुत क्रूशल है, सो उसको बिल्कुल भी आप लाइटली ना लें, बहुत मेहनत करें उसमें, अभी ये बहुत जरूरी बन जाता है। बट एनीवे, आ जाओ भाई, नेक्स्ट है, हेलो पीपल, आ जाइए। पेटेंट नेक्स्ट क्या है बड़ी? पेटेंट। नाउ व्हाट इज पेटेंट? व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट इज नथिंग बट जब आप इनोवेशन करते हैं, क्या करते हैं बड़ी? इनोवेशन। तो आप उसको रजिस्टर कराते हैं एज अ पेटेंट। क्या करते हैं आप? इनोवेशन। आपने ऐसी मशीन डाली जिसमें इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है, तो इसमें क्या कराएंगे आप? इसको पेटेंट। मैंने एक ऐसी दवाई बनाई कि जिसमें जो पहले अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो पैरों पे खड़ा हो पा रहा है, ठीक है? तो ये मैंने कैसी दवाई बनाई, ठीक है? मैंने कैसी दवाई बनाई जिसके बाल नहीं आ रहे थे उससे लोगों के बाल आ रहे हैं, ठीक है? है ना जी? मैंने कैसी दवाई बनाई जिससे जो लोग क्या कहते हैं, मोटे नहीं हो रहे थे वो मोटे हो रहे हैं, जो पतला होना चाह रहे थे वो पतला हो रहे हैं। तो ये दवाई का क्या पेटेंट करवा सकते हैं? यस, आप इन दवाई को क्या करा सकते हैं बेटा? पेटेंट। जैसे कि ड्यूरा, ये अपनी कंपनी आती है ना ड्यूरा, ये अपना ड्यूरा सेल क्या नाम है उसका? नहीं, ड्यूरा सेल, ठीक है, कंपनी आती है जिसका नाम क्या है? ड्यूरा सेल। तो ड्यूरा सेल जो है वो उसने पहले सेल बनाए थे जो चार्ज हो सकते थे, तो उसने क्या करा पहले उसका पेटेंट। ऐसा नहीं है किसी और कंपनी थी, ड्यूरा सेल ने कुछ तो पेटेंट कराया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। कुछ तो ऐसे सेल बनाए थे जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे, ऐसे कुछ तो सबसे ज्यादा चलते थे ड्यूरा सेल के, तो उसने पेटेंट कराया था वो टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ तो हुआ था, अभी ध्यान नहीं एग्जैक्टली, बट एनीवे नाउ ध्यान देंगे। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पेटेंट करवा सकते हैं? कोई आर्ट, सुनो, क्या क्या करा सकते हैं? कोई आर्ट, कोई प्रोसेस, कोई मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर। क्या क्या करा सकते हैं बोलो? कोई आर्ट, कोई प्रोसेस, कोई मेथड ऑफ मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर। लाइक आप बना लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल, सुनो, बनाना शेक बनाते हो लेकिन बिना दूध के बनाना शेक बनाते हो आप? नहीं नहीं नहीं, उसमें अलग चीज मिलाते हो, ठीक है? उसमें क्या मिलाते हो आप? कोई अलग चीज मिलाते हो, क्या मिलाते हो वो पता नहीं, ठीक है? वोडका से बनाना शेक बनाते हो आप? किससे बेटा? वोडका से बनाना शेक बनाते हो। तो आप अगर कोई स्पेशल आपकी मेथड है, लाइक मान लीजिए आप धागे से, ध्यान से सुनना, आप धागे से क्या बनाते हो पता है? आप धागे से कैरी बैग बनाते हो। धागे से क्या बनाते हो? कैरी बैग। सिर्फ इधर से धागा डाला, उधर से कैरी बैग बन गया, ठीक है? और एकदम ऐसा वाला कि जो मतलब जिसपे पानी भी रह सकता है, ऐसा वाला कुछ बनाते हो, एकदम स्पेशल क्वालिटी का कुछ तो आपने लाया कहीं से, क्या क्या मिला के, मतलब पॉलीथिन का सब्स्टिट्यूट। पॉलीथिन क्यों लगती है ना? इसलिए बिकॉज उसमें गीली चीजें भी रह सकती है, दैट्स व्हाई पॉलीथिन का इतना इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो? बाकी थैले में गीली चीज नहीं रह सकती ना, बस ये बात है। बाकी नॉर्मल जो इसके आते हैं कपड़े के, बस ये दिक्कत है। तो पॉलीथिन का इंपॉर्टेंस ही किसके लिए है? गीली चीजों के लिए। किसके लिए बेटा? मतलब पानी के लिए, जूस के लिए, ये सब के लिए। नाउ बड़ी, अगर आपने कोई ऐसी मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर लेके आई, मैनर लाई, कोई प्रोसेस लाई, क्या उसका पेटेंट करवा सकते हैं? यस। कोई आपने मशीन बना ली, अपैरेटस मतलब वही कोई इक्विपमेंट बना लिया, क्या आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं? यस। आपने कोई मैन्युफैक्चर करके कोई ऐसी सब्सटेंस बना ली जिसका कोई नया यूज है, कोई इंप्रूवमेंट है, तो भी आप उसको क्या करा सकते हैं? पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कोई नई चीज बन रही है, कोई ऐसी मैन्युफैक्चर कर रहे हो चीज, या मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, कोई मशीन बनाई, कोई इक्विपमेंट बना लिया, अपैरेटस, ठीक है, कोई आपने ऐसी चीज बना ली जिससे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो ये सब आपको क्या करा सकते हो बेटा? इस सबका पेटेंट। तो इन्वेंशन में क्या क्या आता है पहले ये बताओ। इन्वेंशन मतलब आया तो क्या लिखोगे? इन्वेंशन मतलब आर्ट, प्रोसेस, मेथड, मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर। क्या लिखोगे बेटा? आर्ट, प्रोसेस, मैथ,
एड प्रोसेस मेथड मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर, उसके बाद मशीन एपरेटस और क्या आएगा, सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स न्यू यूजफुल इंप्रूवमेंट ऑफ अ ऑफ ऑल ऑफ देम और दैट इन्वेंशन. तो क्या क्या आएगा बोलो, इन्वेंशन मतलब आया तो क्या क्या आएगा जल्दी बोलो, क्या क्या लिखोगे जल्दी बोलो, आर्ट प्रोसेस मेथड मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर बोलो हाँ या ना, और क्या आएगा मशीन एपरेटस और सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो, इजी क्या क्या आएगा फिर से बोलो, आर्ट प्रोसेस मेथड ऑफ मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर और मशीन एपरेटस और सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर और उसमें क्या और क्या क्या आ जाएगा और क्या क्या आ जाएगा. तो ये कोई भी नई चीज आपने बनाई ये सब किस में आ जाएगा बेटा, इन्वेंशन. किस में आता है बेटा, इन्वेंशन. अच्छा इन्वेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है, प्रोसेस नहीं होनी चाहिए लेकिन कुछ चीजें इन्वेंशन नहीं हो सकती, कुछ चीजें इन्वेंशन नहीं हो सकती. जैसे फ्रिवोलस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिवोलस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिवोलस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिवोलस बताओ, क्या सुपरफिशियल, व्हाट इज सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब इम्पॉसिबल काइंड ऑफ, है ना जी. अब जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल, अब आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि मैंने एक ऐसा ऐसी चीज बनाई है जिससे सूरज वेस्ट से निकलेगा, सूरज कहां से निकलेगा, ये पॉसिबल है, तो इसका पेटेंट हो सकता है. अरे भाई सुपरफिशियल, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता. ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब आप बोल रहे हो कि मैंने ये इन्वेंट किया है, आप बोल रहे हो मैंने ये इन्वेंट किया है कि मानसून में बारिश होती है और ठंड के मौसम में ठंड लगती है और गर्मी के मौसम में गर्मी रहती है, आप बोल रहे हो मैंने इन्वेंट किया है, तो इसका इसका क्या इन्वेंशन आपको मिलेगा, पेटेंट मिल जाएगा इसका. अब इसका क्या पेटेंट लोगे आप, है ना. आप बोल रहे हो कि मैंने ये इन्वेंट किया है कि पानी में अगर शरबत डालो और सॉरी पानी में अगर वो डालो शक्कर डालो या वो डालो सिरप तो शरबत बन जाता है. आपने बोला कि भैया मैगी मैगी जो है उसको इतना गर्म करो तो जल्दी बनती है, इतना गर्म करो तो इतनी देर में बनती है, इतना गर्म करो तो इतनी देर में बनती है. अरे ऑब्वियस है वो, इस चीज का पेटेंट मिलने वाला नहीं है. तो जो चीज सुपरफिशियल है, जो ऑब्वियस है, उसका मिलेगा क्या, नहीं. अच्छा विच इज कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉस, जो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है उस चीज का भी नहीं मिलेगा, जो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है. मतलब क्या नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, मतलब जैसे कि ग्रेविटी. एग्जैक्टली. अब आपने क्या कहा कि ऊपर फेंक रहा हूं टमाटर तो नीचे आ रहा है, नहीं लेकिन मैं उधर फेंक रहा हूं तो उधर जा रहा है ना. अब आपने क्या बोला, मैं उधर फेंक रहा हूं तो उधर जा रहा है वो. देखो मैं अगर फेंक के मारता हूं उसको दूर तो उधर जाता है, ग्रेविटी फेविटी कुछ नहीं है वो. आप ऐसा कुछ ऐसी चीज बना रहे हो जो आप कहते हो नेचर लॉ के अगेंस्ट है, इसका पेटेंट मिलने वाला नहीं है. नेक्स्ट है कॉन्ट्ररी टू लॉ, किसी लॉ के अगेंस्ट है, किसी किसके अगेंस्ट है बेटा, लॉ के अगेंस्ट है. लॉ कुछ करने से मना करता है तो वो भी चीज पेटेंट में नहीं है. मोरालिटी के अगेंस्ट है, क्या के अगेंस्ट है, मोरालिटी. व्हाट डू यू मीन मोरालिटी, व्हाट डू यू मीन मोरालिटी, एथिक्स के अगेंस्ट है. आपने बोला मैंने एक ऐसी चीज बनाई जिससे इजीली डेथ हो सकती है, अब तो साले तूने बना तो लिया लेकिन उसको हम पेटेंट नहीं करवाएंगे. ऐसे में तो कई लोग जिनको सुसाइड करना वही अपनाएंगे ना. कोई भी क्या चाहता है, आसान तरीके से मरना. कोई भी क्या चाहता है, आसान तरीके से मरना, जिनको सुसाइड करना है. अब इसमें कोई फांसी भी लगा तकलीफ तो होती है, पानी में जाते तो भी तकलीफ होती है, ट्रेन के सामने आते तो भी तकलीफ होती है. तो कोई भी क्या चाहता है, आसान तरीके से मरना. आपने बोला मैंने ऐसा केमिकल बना लिया जिससे इजीली मर सकते हैं, देखो चाहिए हाँ क्या बंदूक, हाँ आपने कोई बंदूक बना ली ऐसी जिससे एक साथ 100 लोग मर सकते हैं, तो ऐसी चीजों का पेटेंट आपको देंगे क्या बेटा, ऐसी चीजों का पेटेंट आपको नहीं देंगे जो पब्लिक हेल्थ के लिए इंजीरियस है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए क्या बेटा इंजीरियस, ऐसी चीज का भी पेटेंट नहीं देंगे, है ना जी. साइंटिफिक प्रिंसिपल के मतलब कि आपने सिर्फ साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कवर किया है, ठीक है. आपने बोला कि एक बंदे से कम काम होता है, दो बंदे से ज्यादा काम होते हैं, ये कोई आपको पेटेंट देंगे इसका. बट अच्छा आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी बना दी, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी मतलब हाँ क्या, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी मतलब क्या बोल रहे हो, जो बिक नहीं सकती. एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी मतलब आपने अपना ही कुछ ऐसा चीज बना ली जो किसी को समझ में नहीं आ रही, अपने ही मन से कोई अपने थ्योरी बना ली, है ना. कुछ भी बोल दिया आपने कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से वैसा हो जाएगा, अगर तुम अच्छे, जैसे मैंने बोला तुम मेहनत करोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, अब इसका क्या तुम्हारे को क्या देंगे, पेटेंट देंगे, पगले हो गए हो गया. नेक्स्ट है अगर आपने ध्यान से सुनना प्लीज, मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज ऑफ अ नोन प्रोसेस मशीन एपेरेटस देयर ऑफ और प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सब्सटेंस. ध्यान से सुनना पीपल, आपने क्या बोला, आपने क्या बोला
जिस मशीन से शर्ट बनती थी, आपने बोला उसी मशीन से, आपने बोला उसी मशीन से मैं टी शर्ट भी बना सकता हूं, तो इसका पेटेंट देंगे? अब आप बोल रहे हो उसका नया यूज ला लिया, उसका आपको मिलना नहीं है। अच्छा, आपने अरेंजमेंट कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया नोन डिवाइस का। लाइक मान लीजिए, ध्यान से सुनना, जो सैंडविच बनता था, अब सैंडविच में एक लेयर होती थी, अब कोई एक नया आदमी आया, उसने तीन लेयर का सैंडविच बनाया पहली बार, तो क्या पेटेंट मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि आपने उसको रीअरेंज किया है, बस और कुछ नहीं किया। क्या किया आपने उसको? रीअरेंज। एग्रीकल्चर की मेथड को हम पेटेंट नहीं कराते। अगर कोई एग्रीकल्चर की मेथड आई है, उसका कभी पेटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मर्स के हित के लिए है। अगर हम ऐसी मेथड लाएं जिससे सिर्फ कुछ ही व्यक्ति यूज कर पाएंगे, बाकी लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो बाकी फार्मर का नुकसान हो सकता है। इसलिए हम फार्मर की नुकसान के लिए ये रूल बनाए कि एग्रीकल्चर में कभी कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। ऑटोमिक एनर्जी का पेटेंट नहीं मिलेगा कोई, ठीक है? तो ये सारे पेटेंट हमारे देश में आपको नहीं मिलते। क्या क्या चीजों के नहीं मिलते, पॉइंट पॉइंट बताओ, जल्दी बोलो। किस किस चीज का नहीं मिलता? फ्रिवोलस, मतलब सुपरफिशियल, ऑब्वियस, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, मोरालिटी के अगेंस्ट है, जनता के लिए हानिकारक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल इवॉल्व किया, कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी फॉर्मुलेट की, ठीक है, कोई नया, कोई यू नो, आपने क्या किया बेटा, डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज फॉर अ नोन सब्सटेंस और मशीन। मतलब आपने क्या बोला, मैंने जैसे आपको बताया, क्या किया आपने, कि आपने जीन्स जिस मशीन से बनती थी, आपने बोला पेंट भी बन सकती है, ये कोई आपने इन्वेंशन नहीं किया है कुछ, ठीक है? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, कुछ मिक्सचर करके कुछ बना दिया, लाइक दो चीज मिक्स करके कुछ बना दिया। लाइक मैंने क्या लिया, दही लिया और लिया पानी, क्या लिया, दही और पानी, और बन गई छाछ। क्या बन गई? छाछ। तो क्या पेटेंट कर जाएगा? कोई चीज मिक्स कर देना पेटेंट नहीं होता, कोई चीज मिक्स कर देना पेटेंट नहीं होता। दो चीज मिक्स करके कोई चीज बना दिया, पेटेंट भी नहीं। रीअरेंज कर दिया, क्या कर दिया? रीअरेंज। सैंडविच की दो लेयर होती थी, तीन बना दी, ये पेटेंट में आएगा क्या? नहीं। अच्छा, उसके बाद में सुनो, आपने कोई एग्रीकल्चर की मेथड लाई, ये भी पेटेंट में आएगा क्या? नहीं। कोई ऑटोमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशन किया, ये भी पेटेंट में आएगा क्या? नहीं। ये सारी चीजें पेटेंट में आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो बाबू, आंसर इज नहीं आएगी। इजी याद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, ध्यान देना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेंशन नेक्स्ट है। बड़ी ध्यान से सुना, क्या टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन मिलता है? अच्छा, पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है ये बताओ, पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? 10, 20, 30, 40, 50, 20। अच्छा, मेरे को बताओ कॉपीराइट कितने साल के लिए मिलता? 60 साल। अच्छा, ये बताओ ट्रेडमार्क कितने साल के लिए मिलता था? हाँ, 10 साल। उसको फिर क्या करना पड़ता था? रिन्यू। पेटेंट मिलता है, पेटेंट मिलता है 20 ईयर्स। कितना मिलता है बड़ी? रिन्यू आप उसको नहीं कर सकते, पेटेंट को रिन्यू नहीं कर सकते, सिर्फ 20 साल के लिए रहता है, उसके बाद रिन्यूअल भी वो नहीं है, रिन्यूअल भी नहीं है, 20 साल के लिए मिलता है। ध्यान देना पीपल, ओके, आप जब कोई भी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है आप कोई पेटेंट को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हो। क्या मेक श्योर करना बेटा? कि पेटेंट को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हो। अगर किसी ने पेटेंट आपका इन्फ्रिंज किया, क्या केस हो सकता है? यस, 100% केस हो सकता है, सिविल केस लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? सिविल केस, उस पर इंजंक्शन लगवाया जा सकता है और डैमेजेस भी लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा? डैमेजेस। बोलो हाँ या ना। इंजंक्शन भी लगवाएंगे और क्या लेंगे उससे? डैमेजेस। बोलो यस और नो, यस और नो। इजी याद रहेगा। चलो, तो ये चैप्टर आपको करना है कब बेटा? घर पे। और ये चैप्टर भी आपका हो गया समाप्त। चैप्टर नंबर कौन सा था ये? 16। चैप्टर नंबर था 16। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पार्ट भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया, बस ये साइड से बाकी था, पार्ट सी पूरा हो गया है। पार्ट ए के 3 चैप्टर मैं आपको लिंक दूंगा, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, और उसके बाद आपका पूरा सेटिंग अप क्या हो गया? समाप्त। अब करेंगे कल सेटिंग अप के अमेंडमेंट और सेटिंग अप आपका ओवर। जीआई जेल उसके नेक्स्ट डे लूंगा, जिसमें मैं स्टैम्प पैक करवाऊंगा आपको। कल सिर्फ सेटिंग अप के अमेंडमेंट लेने वाला हूं। और सुनो, कल टाइम मिला तो कल मैं आपको क्या करा दूंगा, वो जो हमारा याद है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का लास्ट का बाकी था, कल वो करवा दूंगा, ठीक है? कल वो करवा दूंगा, फिर हमारा एक स्टैम्प पैक बचेगा। आईटी एक्ट की मैं लिंक दूंगा, वहां से देखना रहेगा। बाकी हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट रिवीजन में, पूरा का पूरा हमने रिवीजन में किया। सुनो मेरी बात ध्यान से पीपल, अभी जितने लोग का जून में अटेम्प्ट है, जितने भी लोगों का जून में अटेम्प्ट है, जो लोग जून में अटेम्प्ट दे रहे हैं, इट्स टाइम टू गिव योर 200% फ्रॉम हियर, ठीक है? 200% फ्रॉम हियर। 15 दिन बाकी हैं, आई थिंक अभी कुछ सूझना भी नहीं चाहिए, ठीक है? पढ़ाई के अलावा कुछ दिमाग में रहना भी नहीं चाहिए, कुछ चलना नहीं चाहिए, ओनली पढ़ाई। सारी चीजों को त्याग के सिर्फ 15 दिन और उसके बाद के 10 दिन एग्जाम के, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को दे दो,
है ना जी, बाकी सब त्याग दो, छोड़ दो, खत्म कर दो, दुनियादारी, रिश्तेदार, दोस्त, जायदाद, मम्मी पापा से थोड़ी बहुत बातें बस, और बाकी किसी से नहीं, बाकी सब 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 खत्म करके अभी से पढ़ाई को दे दो 15 दिन, और मैं कह रहा हूँ रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बस बी मोटिवेटेड, जब भी ऐसा लगेगा पढ़ पढ़ के बोर होगा, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया ठीक है, बाकी फिर बाकी लॉन्ग स्टडी, बाकी लॉन्ग स्टडी, लॉन्ग आवर्स बैठो और जबरदस्त तूफान तरीके से पढ़ाई करो, तूफान तरीके से। सर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट एंड राइट्स ऑफ रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट बाकी है। बेटा अंकिता, मैंने जितना बताया ना इस चैप्टर में उतना ही करना है आपको, बाकी कुछ नहीं है, जितना मैंने बोला इस चैप्टर में वही करना है, सिर्फ कॉपीराइट का मुझे वो कराना है आपका, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जीआईजीएल के अमेंडमेंट हाफ एन आवर के हैं, कुछ नहीं है, केस लॉज है वो भी कल करवा देता हूँ, 15 मिनट के कल करवा देता हूँ वो। यशिका मैंने नहीं देखा तो बेटा फिर से लिख दो ना, जितनी देर आपने ये लिखा है आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, अगर लिख देते क्या मैसेज है तो अभी दिख जाता ना बच्चा, है ना। जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी बाकी है सर, अच्छा करवा देंगे वो भी, सब करवा देंगे मेरे भाई, सब करवा देंगे यार। लिंक दी थी क्या मैंने? नहीं दिया था, देता हूँ वो भी देता हूँ आपको, उसकी लिंक दे दूंगा जनरल एक्सेप्शन की, देख लेना उसको, वीडियो मैंने बोला ना, मैंने वैसे भी आपको वीडियो देने बोला था ना, दे दूंगा उसकी वीडियो, रिकॉर्ड हो चुके हैं वो, दे दूंगा। सर टाइम मैनेज करना बता दो एक बार, टाइम मैनेज यार देखो यार मैं बोलूँ ये अपनी अपनी स्टडी पे डिपेंड करता है, ये सबकी अपनी अपनी स्टडी पे डिपेंड करता है, आप कैसे पढ़ रहे हो, बट अभी मेक श्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, मैक्सिमम आवर्स, योर मैक्सिमम आवर्स यू हैव टू गिव टू योर स्टडी, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है, जितना ज़्यादा आप स्टडी को दोगे हो जाएगा। यस मैं करवा देता हूँ 4 और 11 मैं करवा देता हूँ बेटा, ठीक है 4 और 11 दोनों करा देता हूँ, डरने की बात नहीं है, बस पढ़ाई करो अच्छे से। एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आएगा, 20 तारीख को या 21 तारीख को आएगा एडमिट कार्ड, SBC कल सेम टाइम पे होगा, यस चलेगा, श्रुति कर सकते हो, जो अमेंडमेंट है बस उसका ध्यान रखना, ठीक है चलो बाय, टाटा टेक केयर, अभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलेंगे हम लोग कब, कल सेटिंग अप के अमेंडमेंट करेंगे, कल एक काम करूंगा GIJL के भी कुछ केस लॉस हैं वो कराने, वो करवा दूंगा, एंड देन उसके बाद में वी विल बी डन, परसों फिर हम बाकी का करेंगे, 1-2 दिन में फिर वाइंड अप कर देंगे पूरा, ठीक है चलो डन पीपल, चलिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू, मिस यू, लिंक बाकी की जो मुझे भिजवानी है मैं भिजवा देता हूँ आज सारी की सारी, ठीक है चलिए बाय बडी, टेक केयर, टाटा, सब लोग पास हो, टेंशन मत लो, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो बस, ठीक है चलो मिलते हैं कल, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू, मिस यू, बाय बाय दोस्तों, पढ़ो अच्छे से।